हेलो दोस्तों, हिंदी हॉरर स्टोरीज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और अब वक्त है डरने का, और मैं प्रवीण आज फिर से आप लोगों के लिए लेकर हाजिर हूँ डिटेक्टिव के कुछ और मज़ेदार और दिल दहला देने वाले केसेस। आपको याद होगा कि कुछ टाइम पहले मैं डिटेक्टिव केसेस की एक सीरीज आपके लिए लेकर आया था, जिसमें एक रिटायर्ड डिटेक्टिव ने अपने कैरियर के कुछ बहुत ही अजीबोगरीब और इम्पॉसिबल केसेस के बारे में बताया था। उस सीरीज के टोटल 5 केसेस के वीडियो मैं आपके लिए पहले ही ला चुका हूँ, और आज के इस वीडियो में मैं उन 5 केसेस के साथ 2 नए केसेस भी लेकर आया हूँ। तो अगर आप वो सारे केसेस पहले ही सुन चुके हैं तो आप डायरेक्ट लास्ट के 2 नए केसेस पर जाके सुन सकते हैं। लेकिन अगर आप मेरे चैनल के नए व्यूअर हैं और पहली बार डिटेक्टिव केसेस सुन रहे हैं तो आप इस वीडियो को पूरा सुनिए, तो खुद भी सुनिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, और डरिए प्रवीण के साथ। मेरे दादाजी एक रिटायर्ड डिटेक्टिव हैं। अपनी जिंदगी के 27 सालों तक उन्होंने डिटेक्टिव का काम किया है और बहुत सारे केसेस पर काम किया है। मुझे बचपन से ही दादाजी के केसेस की मिस्ट्री वाली कहानियां सुनना बहुत पसंद था। दादाजी ने मुझे अपनी और अपने साथियों की बहुत सारी कहानियां सुनाई थी। हालांकि जब मैं छोटा था तो दादाजी हमेशा मुझे सच्ची कहानियां नहीं बताते थे कि कहीं मैं डर ना जाऊं, लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ा होने लगा दादाजी मुझे अपने काम के बारे में और ज्यादा बताने लगे। अभी 2 साल पहले से दादाजी की तबीयत खराब होना शुरू हो गई। धीरे धीरे वो बेड पर आ गए और चलने फिरने के काबिल भी नहीं रहे। लेकिन बीमार होने के बाद दादाजी ने मुझे अपने कैरियर की कुछ ऐसी कहानियां बताई जो उन्होंने मुझे पहले कभी नहीं बताई थी। एक दिन दादाजी ने मुझे अपना एक फोल्डर दिखाया जिसका वो पहले कभी मुझे नहीं देखने देते थे। उस फोल्डर का नाम था द इम्पॉसिबल केसेस। दादाजी बोले कि मैं अब ज्यादा दिनों तक जिंदा नहीं रहने वाला हूं, मुझे पता है कि मेरा अंत करीब है, इसलिए मरने से पहले मैं तुमको कुछ ऐसे राज बताना चाहता हूं जिन्होंने मुझे आज तक परेशान करके रखा है। दादाजी ने मुझे वो फोल्डर खोल के दिखाया। उसमें उन तमाम केसेस की फाइल्स रखी थी जिनको दादाजी आज तक नहीं सुलझा सके थे। दादाजी ने बताया कि वो उन फाइल्स के पन्नों को कितनी बार पढ़ चुके थे, उन केसेस पर ना जाने कितनी बार शुरू से काम कर चुके थे लेकिन नहीं सुलझा सके। आगे मैं आपको बिल्कुल वैसे ही बताऊंगा जैसे मुझे मेरे दादाजी ने बताया था। ये केस एक मर्डर और किडनैपिंग का केस था, कम से कम हम तो यही मान के चल रहे थे। मैं और मेरा एक और साथी, हम दोनों को यह केस दिया गया था। एक फैमिली थी जिसमें हस्बैंड, वाइफ और उनकी 6 साल की बेटी थे। एक दिन अखबार वाला सुबह सुबह जब उनके घर अखबार डालने गया तो उसने देखा कि उनका दरवाजा खुला हुआ है, जबकि पहले कभी भी उनका दरवाजा इतनी सुबह खुला नहीं होता था। तो उसने थोड़ा सा अंदर झांक के देखा तो अंदर उसे उस वाइफ की लाश पड़ी दिखाई दी। तुरंत पुलिस को कॉल किया गया तो हम वहां पहुंचे। घर में पहुंचते ही सबसे पहली चीज जो हमने नोटिस की वो थी कि घर में किसी के जबरदस्ती घुसने का कोई निशान नहीं था सिवाय उस लाश के, लेकिन उसकी लाश पर भी कोई चोट का निशान नहीं था। घर की कोई चीज बिखरी या गिरी भी नहीं हुई थी। पूरे घर की तलाशी ली तो हस्बैंड और बेटी वहां नहीं थे। जाहिर है आप सोच रहे होंगे कि मर्डर हस्बैंड ने किया था और वो बेटी को अपने साथ लेके चला गया होगा। हम भी यही सोच रहे थे, लेकिन ऐसा नहीं था। उन लोगों के पास 2 कार थीं और वो दोनों अभी घर के बाहर ही खड़ी थी, तो शायद वो पैदल पैदल ही वहां से गए होंगे। लेकिन पड़ोसियों ने बताया कि उन्होंने उनमें से किसी को भी बाहर जाते नहीं देखा। पास वाले पार्क में सुबह सुबह बहुत सारे लोग घूमने आते थे और किसी ने भी उनको बाहर जाते नहीं देखा था, ना ही उनके घर से
किसी तरह के शोर शराबे की कोई आवाज आई थी। साथ ही बता दूं कि उस वाइफ की लाश का एक बाल भी इधर से उधर नहीं हुआ था। लाश के चेहरे पर कोई शिकन, कोई दर्द नजर नहीं आ रहा था। वो किचन में कमर के बल पड़ी थी। उसकी आधी बॉडी एक टेबल के नीचे थी। एक हफ्ते बाद आई पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता लगा कि वो तो बस मर गई थी, बिना किसी कारण के। डॉक्टर्स उसके मरने का कोई कारण पता नहीं कर पा रहे थे। ना तो उसकी उम्र ज्यादा थी, ना ही उसको किसी तरह की कोई बीमारी थी, ना वो स्मोक या ड्रिंक करती थी। उसकी मौत बिल्कुल ऐसी थी जैसे एक सेकंड पहले वो जिंदा हो और अगले ही पल मर गई हो। खैर, हमने पूरे घर की बहुत अच्छे से तलाशी ली कि कहीं कुछ तो कोई सुराग मिले, लेकिन कुछ नहीं मिला। कोई हथियार, कोई खून के छींटे, पैरों के निशान, कुछ भी नहीं। उस दिन हम सुबह से लेकर शाम तक उनके घर में ही रहे। फिर शाम को ये सोच के कि 2 दिन बाद फ्रेश माइंड से फिर से इस केस को देखेंगे, हम वहां से चले गए। उसकी लाश को भी शायद अगले दिन ही वहां से उठाया जाना था। फिर अगले दिन हम उस जगह पहुंचे जहां वो हस्बैंड काम किया करता था। वो एक कंपनी में सुपरवाइजर था। वहां हमें पता चला कि उसकी ज्यादातर सुबह की शिफ्ट हुआ करती थी, और कल भी वो सुबह की शिफ्ट में काम करने 5 बजे के आसपास ऑफिस आया था। उसके साथ काम करने वाले लोगों ने बताया कि उसने अपने साथ एक बॉक्स भी लिया हुआ था जिसमें शायद कुछ सामान था। वो बता रहा था कि वो सामान उसको तैयार करके घर पे लगाना है, लेकिन वो क्या था ये किसी को नहीं पता। ऑफिस आते ही वो सीधा उस चीज पे काम करने में लग गया, लेकिन उसने उसे पूरा नहीं किया। करीब 6:15 पे उसको टॉयलेट जाते देखा गया था, लेकिन बाहर निकलते उसे किसी ने नहीं देखा। उनकी बातें सुनने के बाद मैंने वो पॉइंट्स अपने नोटपैड में नोट करने के लिए अपना नोटपैड निकाला तो पता चला कि मेरा नोटपैड तो कल उस घर में छूट गया है। तो हम वापस उस घर में गए। वहां पहुंचे तो देखा कि डेड बॉडी को बाहर निकाला जा रहा है, लेकिन हम जैसे ही घर में घुसे हमें बहुत ही गंदी बदबू आई, सड़ती हुई लाश की बदबू। लेकिन वो लाश तो सिर्फ एक दिन पुरानी थी, उसमें से ऐसी बदबू कैसे आ सकती थी। मैंने वहां मौजूद कुछ दूसरे पुलिस ऑफिसर से पूछा कि ये बदबू कहां से आ रही है, तो उन्होंने बताया कि ये बदबू अभी कुछ ही मिनट पहले आना शुरू हुई है। और मैं आपको सच बता रहा हूं, ऐसा नहीं है कि मैंने पहली बार ऐसी बदबू महसूस की थी। इससे पहले भी मैं बहुत बार सड़ती हुई लाशें देख चुका था, लेकिन उस घर में तो ऐसी बदबू आ रही थी कि जैसे उस घर के हर एक कोने में, हर एक दीवार में लाशें सड़ रही हों। कुछ ही मिनटों में हमने नोटिस किया कि सबसे ज्यादा बदबू ऊपर वाले फ्लोर से आ रही थी, लेकिन उसको तो हम कई बार चेक कर चुके थे। मैंने खुद उस पूरे फ्लोर को 5 बार छाना था। तो मैं और मेरा साथी ऊपर वाले फ्लोर पे गए तो एक अलमारी के अंदर हमें एक बॉक्स रखा हुआ मिला। ज्यादा बड़ा तो नहीं था, 2 फुट लंबा होगा, रेक्टेंगल शेप का, और वो बिल्कुल सीधा खड़ा था। उसमें से खून निकल रहा था। हमने उसी वक्त बिना उसे छेड़े नीचे मौजूद फोटोग्राफर्स और दूसरे लोगों को ऊपर बुला लिया। उन्होंने उसकी फोटो वगैरह खींची और फिर उस बॉक्स को खोला गया, और बॉक्स खोलते ही धड़ाम से उस हस्बैंड की लाश निकल के नीचे गिरी। आप अंदाजा लगाइए, वो आदमी 6 फीट लंबा था और बहुत तगड़ा भी था, और उसको उस 3 फीट के बॉक्स में बंद किया गया था। उसकी लाश का बुरा हाल हो रखा था, सारी हड्डियां टूट चुकी थी, शरीर के अंदर से सब बॉडी पार्ट्स बाहर निकल रहे थे। एक इंसान को इस तरह ठूंस कर एक बॉक्स में बंद कर दिया गया था, किसने और क्यों? उसको देखने से लग रहा था कि वो लाश कम से कम 2 हफ्ते पुरानी है। स्किन बिल्कुल काली पड़ चुकी थी, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता था, क्योंकि कल ही तो उसके ऑफिस के लोगों ने उसको ऑफिस में देखा था। साथ ही बता दूं
कि लाश की आंखें भी नहीं थी। हम सब वहां खड़े हैरानी से वो सब समझने की कोशिश कर ही रहे थे कि तभी हमें एक आवाज सुनाई दी, किसी छोटी लड़की की आवाज, मदद मांगते हुए। ऊपर वाले फ्लोर पे खड़े सब लोगों को, नीचे वाले फ्लोर पे बाहर दरवाजे के पास खड़े लोगों को, पीछे गार्डन में खड़े लोगों को, सबको वो आवाज सुनाई दी थी। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि सबको वो आवाज अलग अलग डायरेक्शन से आती सुनाई दी थी। मैंने खुद वो अपने सर के ऊपर से आती सुनी थी। पहली बार आवाज आई हेल्प मी तो मैंने झट से ऊपर देखा, लेकिन जाहिर है वो ऊपर तो नहीं हो सकती थी, ऊपर तो पंखा था। उस पूरे घर में उस वक्त 10-15 लोग मौजूद थे। हमने सबसे पूछा, किसी ने बताया कि उनको वो आवाज किचन से आई, तो किसी ने बताया कि उनको बेडरूम से आई थी, किसी को पेड़ के ऊपर से, तो किसी को कार के नीचे से आई थी, और सभी को वो आवाज करीब 1 मिनट तक लगातार सुनाई दी थी, और फिर अचानक से खामोश हो गई। वो लोग क्रिश्चियन थे, तो 1 हफ्ते बाद उस आदमी के भाई ने उनका कब्रिस्तान में फ्यूनरल करवाया। सब कुछ ठीक रहा, उन्होंने लाशों को बॉक्सेस में डाल के दफना दिया। उनके यहां ये रिवाज था कि मरने के बाद इंसान की कब्र की थोड़ी सी मिट्टी को एक पॉट में डालकर यादगार के तौर पर रखा जाता था। लेकिन फिर शायद 2 महीने बाद मुझे पता चला कि उनकी कब्र की मिट्टी वाली उस पॉट को किसी ने चुरा लिया है। लेकिन कोई ऐसा क्यों करेगा, समझना बहुत मुश्किल था। लेकिन फिर उसके 1 महीने बाद हमारे पास कॉल आई, उस वाइफ की लाश उसकी कब्र से निकलकर उसके हस्बैंड की कब्र के ऊपर हाथ करके बैठी हुई थी, बिल्कुल आराम से, जैसे कि वो वहां बैठी आराम कर रही हो। जाहिर है वो लाश खुद तो अपनी कब्र से बाहर नहीं निकल सकती थी, किसी ने उसकी लाश को खोद के बाहर निकाला था और उसके हस्बैंड की कब्र के ऊपर रखा था। लेकिन कोई ऐसा क्यों करेगा। उससे भी ज्यादा हैरान कर देने वाली बात यह थी कि उनकी मिट्टी के जो पॉट्स अभी 1 महीना पहले गायब हो गए थे वो उसके हाथ में थे और उनके ऊपर कुछ लिपटा हुआ था, जो बाद में पता चला कि वो उसी के हस्बैंड की स्किन थी। लेकिन कैसे, क्योंकि उसके हस्बैंड की स्किन तो लाश से उतारी ही नहीं गई थी। मैंने खुद उसकी काली पड़ चुकी स्किन को देखा था। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, उस पॉट के अंदर जो मिट्टी थी उसमें हमें 3 आंखें मिली, जिनमें से सिर्फ एक उस हस्बैंड की थी, बाकी 2 आंखें किसकी थी किसी को नहीं पता। सब कुछ दिमाग चकरा देने वाला था। ये जो कुछ हो रहा था वो नॉर्मल नहीं था, लेकिन हमारे काम में हम इस तरह की बातों के बारे में नहीं सोचते, क्योंकि एक बार आपके दिल में भूत या इस तरह की चीजों का डर आ गया तो आप अपना काम कर ही नहीं पाएंगे। आज उस बात को बीते 22 साल हो चुके हैं, उस बच्ची की आवाज मुझे आज भी सुनाई देती है, और ये कोई मेरा वहम या पागलपन नहीं है, वो आवाज तुम्हारी दादी ने भी सुनी है, वही आवाज, 6 साल की बच्ची की आवाज। और फिर एक दिन 12 मई 2007, मुझे आज भी वो दिन याद है। मैं किसी काम से अपने पुराने घर गया था और वहां मुझे वही बच्ची दिखाई दी, मेरा मतलब वही 6 साल की बच्ची जिसकी फोटो मैं उस केस पर काम करते हुए 1000 बार देख चुका था। मुझे उसकी शक्ल बहुत अच्छे से याद थी, वो कोई और नहीं थी, वो वही थी, हमारे पुराने घर के बगल में खड़ी रोती हुई, वो वही थी। उसको देख के मैं जल्दी से अपनी कार को साइड में लगा के उसके पास जाने लगा। मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता कि उस वक्त मैं कैसा महसूस कर रहा था। मेरे दिल में डर था, बहुत ज्यादा डर, लेकिन एक उम्मीद भी थी कि शायद मुझे मेरे सवालों के जवाब मिल सकें। लेकिन इससे पहले कि मैं उसके पास पहुंचता वो गायब हो गई।
मुझे लगा मेरा दिमाग खराब हो गया है। मुझे सच में लगने लगा था कि मैं पागल होता जा रहा हूं। लेकिन फिर घर आने के करीब एक घंटे बाद मेरे साथी की कॉल आई, वही साथी जो मेरे साथ इस केस पर काम कर रहा था। 5 साल पहले दूसरे स्टेट में ट्रांसफर हो जाने के बाद उस कमीने ने मुझे आज तक एक बार भी कॉल नहीं किया था। उसने बताया कि उसको वो बच्ची दिखाई दी, एक बस स्टॉप पे बैठी रोती हुई। वो दूसरे शहर में रहता था और अगले ही दिन उसने सुसाइड कर लिया। उस बच्ची की आवाज मुझे आज भी रात में नींदों से उठा देती है। कभी मुझे वो बाथरूम से आवाज देती है तो कभी सीढ़ियों से। कई बार रात में जब मैं अपने बेड पे लेटा होता हूं तुम्हारी दादी के बगल में, तो वो आवाज मुझे तुम्हारी दादी के मुंह से आती सुनाई देती है। हमें उस लड़की का कभी कोई सुराग नहीं मिल सका। और तुम्हें पता है इस तरह के केसेस के साथ डिपार्टमेंट में क्या किया जाता है? इन्हें कूड़े में डाल दिया जाता है। इतना कहते ही दादाजी चुप हो गए। इस केस के बारे में याद करके दादाजी के चेहरे पर शिकन मैं अच्छे से देख पा रहा था। मैंने इस बारे में आगे कोई सवाल नहीं पूछा, लेकिन मैं दादाजी के ऐसे और केसेस के बारे में जानना चाहता था। लेकिन इससे पहले कि मैं कुछ बोलता, दादाजी खुद ही बोल पड़े, तुम्हें क्या लगता है ये केस पेचीदा था? फिर दादाजी ने उस फोल्डर से दूसरी फाइल निकाली और बोले कि अब मैं तुमको इस केस के बारे में बताता हूं। दादाजी ने बताया कि पुलिस में मेरी नौकरी के शुरुआती दिनों में मेरा एक दूसरा पार्टनर हुआ करता था। उन दिनों मैं तो नया था, लेकिन वो काफी पुराना था। उसको तब नौकरी करते 10 साल से ज्यादा हो चुके थे। वैसे तो वो बहुत ही तेज दिमाग का आदमी था, लेकिन कई बार वो कुछ अजीब अजीब हरकतें भी करने लगता था। लेकिन फिर भी मैंने उससे बहुत कुछ सीखा था। वही था जिसने मुझे बताया था कि ऐसा बहुत बार होगा जब तुम्हारा सामना ऐसे केसेस से होगा जिनको तुम सुलझा ही नहीं सकोगे। और ऐसा नहीं है कि तुम समझदार नहीं हो या तुम्हारी ट्रेनिंग अच्छे से नहीं हुई। बस यूं मान लो कि सारे सबूतों और गवाहों के होने के बावजूद तुम कुछ नहीं कर पाओगे। तुम पूरे केस को अच्छे से समझ भी लोगे, तुम्हें पता भी होगा कि कहां क्या हुआ है, लेकिन फिर भी वो केस सुलझ नहीं सकेगा। उस वक्त तो मुझे उसकी बातें ठीक से समझ नहीं आई, लेकिन फिर कुछ टाइम बाद, वो 80 का दशक था, हमें एक मर्डर केस पे काम करने को मिला। एक बिल्डिंग के एक फ्लैट में एक मर्डर हुआ था। वो फ्लैट पिछले कुछ दिनों से बंद था, तो पड़ोसियों को जब उस फ्लैट से बदबू आई तो उन्होंने पुलिस को कॉल किया। कुछ पुलिस वाले वहां चेक करने पहुंचे तो उन्होंने फिर हमें कॉल किया। जब हम फ्लैट में पहुंचे तो देखा कि वहां तो बहुत ही गंदी बदबू फैली हुई थी। वो एक लड़की की लाश थी और उस पूरी लाश को प्लास्टिक की पतली तार से ऊपर से नीचे तक लपेटा हुआ था। मेरा मतलब उसके शरीर की एक एक उंगली से लेकर उसके चेहरे तक उसका हर एक हिस्सा उस तार से बांधा गया था। किसी तरह हमने वो प्लास्टिक की तार उसकी बॉडी से उतारी, लेकिन तार उतारने के बाद हम क्या देखते हैं, ऊपर वाली लेयर के नीचे एक और लेयर थी प्लास्टिक की पतली तार की। उसके स्किन का एक हिस्सा तक हमें दिखाई नहीं पड़ रहा था। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यह सब करने में कितना टाइम लगा होगा। और वो तार जल्दबाजी में बांधी नहीं लग रही थी, एक एक हिस्से पर बहुत ही अच्छे से तार लपेटी गई थी। ये जिसने भी किया था बहुत ही तसल्ली से बैठ के किया था। मैंने तो अपनी पूरी जिंदगी में पहले कभी ऐसा कुछ नहीं देखा था। आखिर में करीब 1 घंटे मशक्कत करने के बाद हमने वो सारी तार उसके शरीर से उतार दी। लाश की पहचान की गई। वो 17 साल की एक लड़की थी जो एक दूसरे स्टेट से थी, लेकिन वो फ्लैट उसका नहीं था, वो एक लड़के का फ्लैट था। लड़का वहां नहीं था। हमने बिल्डिंग में रहने वाले बाकी लोगों से उस लड़के के बारे में पूछताछ की तो लोगों ने बताया कि उन्होंने उस लड़के को कई दिनों से नहीं देखा था। हैरानी की बात थी कि उसके पड़ोसियों तक को उस लड़के का नाम नहीं पता था। लोगों ने बताया
कि वो लड़का किसी से ज्यादा बात नहीं करता था, यहां तक कि आते जाते भी किसी की तरफ नहीं देखता था। वो लड़का उस बिल्डिंग में पिछले 6 सालों से रह रहा था अकेला, लेकिन पिछले करीब 10 महीने से बिल्डिंग के लोगों ने उसे नहीं देखा था। उसके फ्लैट का किराया भी वो चेक के थ्रू मकान मालिक को भिजवा दिया करता था। मुझे तो ये एक सिंपल सा केस लग रहा था, शायद उस लड़के और लड़की का अफेयर था और किसी बात पर उनकी लड़ाई हुई और लड़के ने उसको मार दिया और वहां से फरार हो गया। लेकिन सिर्फ एक छोटा सा पेच था, लाश को इस तरह तार से लपेटने का क्या मतलब हो सकता था। खैर, उस फ्लैट के बारे में बताऊं तो फ्लैट में बिल्कुल अंधेरा हो रखा था। हम जिस वक्त वहां पहुंचे तब सुबह के करीब 9 बज रहे थे, लेकिन 9 बजे भी ऐसा लग रहा था जैसे कि आधी रात हो रखी हो। दीवारों से लेकर सारी खिड़कियों पर काले रंग का पेंट किया हुआ था। लेकिन हमने एक और बहुत ही अजीब चीज वहां नोटिस की। उस कमरे की सब दीवारों पे पेपर और मैगजीन की छोटी छोटी कटिंग्स काटकर चिपकाई हुई थी। पहले तो हमें लगा कि वो शायद रैंडम कटिंग्स होंगी, लेकिन फिर जब हमने ध्यान से देखा तो हमारा तो दिमाग ही चकरा गया। उन सभी कटिंग्स में लिखे शब्दों में कुछ मैसेज छुपे थे, और वो मैसेज बहुत ही परेशान कर देने वाले थे। मुझे सब तो याद नहीं, लेकिन वो कुछ अजीब से ही मैसेज थे, जैसे प्लीज मेरी हेल्प करो, अब अंत करीब है, वो आ रहा है। इस तरह की पागलों वाले मैसेजेस काले पेंट से रंगे हुए थे, जिन पे हजारों इस तरह के मैसेज चिपके थे। मैं मन ही मन सोच रहा था कि ये लड़का जरूर कोई सनकी पागल होगा। कुछ ही देर बाद फिंगरप्रिंट लेने वाले लोग भी वहां आ गए और अपना काम करने लगे। जैसा कि मैंने बताया, वो लड़का वहां अकेला रहता था। बिल्डिंग के लोगों ने भी उसके साथ कभी किसी को नहीं देखा था, ना ही उसके फ्लैट से कभी कोई शोर शराबा आता था, यहां तक कि टीवी रेडियो की आवाज तक नहीं। लेकिन फिर भी फिंगरप्रिंट वालों को उसके घर में 90 अलग अलग लोगों की उंगलियों के निशान मिले। लेकिन कैसे? लेकिन मामला तो अभी और उलझना था, क्योंकि वो सभी उंगलियों के निशान इस तरह से बने थे जैसे कि किसी ने जानबूझकर बनाए हों, जैसे वो एक दीवार पर ऊपर से लेकर नीचे तक एक लाइन में बने हुए थे, फिर अंदर रखे फ्रिज पर ऊपर से नीचे लेकर तक एक लाइन में। जहां जहां भी वो निशान बने थे सब एक लाइन में बने हुए थे। उन 90 निशानों में से सिर्फ 2 निशानों की ही पहचान हो सकी थी, एक उस फ्लैट में रहने वाले लड़के के थे और दूसरे एक औरत के, जिसकी एक दूसरे शहर में उस लड़के के जन्म लेने से कुछ साल पहले मौत हो गई थी। हैरानी की बात थी कि जिस लड़की की लाश हमें वहां मिली, उस लड़की का एक फिंगरप्रिंट तक वहां नहीं मिला था। बाद में जब हमने इन्वेस्टिगेशन की तो उस लड़की और लड़के के बीच में हमें कोई लिंक नहीं मिला, वो दोनों एक दूसरे को नहीं जानते थे। तो फिर उसकी लाश उस फ्लैट में कैसे पहुंची? पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता चला कि मौत 1 हफ्ते पहले हुई थी, और उसकी मौत दम घुटने से हुई थी। उसके गले पे प्लास्टिक की तार बांध के उसको मारा गया था, और उसकी बॉडी को ना सिर्फ ऊपर से बल्कि उसके अंदर के ऑर्गन्स, उसका लिवर, दिल, किडनीज और एक लंग भी प्लास्टिक की तार से बांधा गया था। ये काम कोई वहशी दरिंदा ही कर सकता था, और हमारा सबसे पहले शक था उसी लड़के पर। हमें सबसे पहले उसी का पता लगाना था, और हमने अपना काम शुरू कर दिया। उसके जानने वालों का, उसके ऑफिस का, दोस्तों का पता लगाना शुरू किया, और जल्दी ही हमें उस कंपनी का पता चल गया जहां वो काम किया करता था। लेकिन उन्होंने बताया कि वो पिछले कुछ दिनों से ऑफिस नहीं आ रहा था, उनको लगा कि शायद उसने काम छोड़ दिया है। उसके अलावा हमें उसके बारे में कुछ ठोस पता नहीं चल सका। उस लड़की का मर्डर करने के बाद वो शायद अंडरग्राउंड हो गया था। फिर करीब 10 दिन बाद हमने उस लड़की की फोटो सभी न्यूज़पेपर्स में छपवा दी। हमारे ऑफिसर्स ने हमें कहा था कि न्यूज़पेपर में बस इतना ही लिखवाना
कि ये एक लुटेरा है, बस हमने वैसा ही किया। और अगले कुछ ही दिनों में हमें जगह जगह से इंफॉर्मेशन मिलने लगी। किसी ने उसको पेट्रोल पंप पे देखा था, तो किसी ने सामान खरीदते हुए, किसी ने कहीं, तो किसी ने कहीं। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि लोगों ने उसको उन अलग अलग जगहों पर एक ही समय पर देखा था, जो कि हो ही नहीं सकता था। एक ही समय पर वो लड़का अलग अलग जगहों पर कैसे मौजूद हो सकता था? लेकिन ये सच था, और तुम यकीन नहीं करोगे, जब हमने कुछ सीसीटीवी फुटेज चेक की तो हर फुटेज में वही लड़का था, बिल्कुल वही, एक ही समय पर अलग अलग जगहों पर मौजूद। जो कुछ मैंने बताया तुम्हें अजीब लगा ना? हमें भी लगा था। यह केस शुरू से ऐसा ही था, अजीब, बहुत अजीब। यह खतरनाक केस नहीं था, बस अजीब था। मेरा मतलब, एक मर्डरर को ढूंढना थोड़ा खतरनाक तो होता ही है, लेकिन इस केस की बाकी सब चीजें दिमाग को घुमा देने वाली थी। जब मैंने और मेरे पार्टनर ने वो सीसीटीवी टेप्स देखी, तब हम दोनों एक ही कैबिन में बैठे थे। हमारे साथ और लोग भी थे, और उन टेप्स में वो कम से कम 11 जगहों पे एक ही साथ एक समय पर खड़ा दिखाई दे रहा था। हमने उन टेप्स को कम से कम 50 बार देखा होगा, और हर एक टेप में वो बस सीधा खड़ा कैमरे की तरफ ही देख रहा था, और उसको देखते हुए ऐसा लग रहा था जैसे वो सीधा मेरी आंखों में देख रहा है, जैसे कि वो सीधा मेरी आंखों में घुस के मेरी गर्दन दबा रहा हो। वो देखना सच में बहुत परेशान कर देने वाला था, लेकिन ऐसा मैं अकेला नहीं था जिसे ये महसूस हो रहा था, सबको ऐसा ही लग रहा था। रूम में मौजूद दो पुलिस वालों को तो उल्टी तक होने लगी थी उन टेप्स को देखकर, लेकिन डर वाली वो फीलिंग सिर्फ तभी आ रही थी जब हम टेप्स में उस लड़के की आंखों में देख रहे थे। वो तो जैसे जैसे क्या बताऊं। खैर, मेरा पार्टनर जो मुझसे 10 साल सीनियर था, उन टेप्स को देख के गुस्से में आ गया और उस लड़के को गालियां देता हुआ बोला कि हमें अभी उसके फ्लैट पर जाना होगा। शायद उसे कोई क्लू मिल गया था। मैं उससे पूछना चाहता था, लेकिन उसकी जल्दी देख मैंने कुछ नहीं बोला और चुपचाप उसके साथ उस फ्लैट पे पहुंच गया। फ्लैट पे पहुंच के वो सीधा उन दीवारों पर चिपकी उन कटिंग्स को देखने लगा। उसको उन कटिंग्स में एक पैटर्न मिल गया था। उन सभी कटिंग्स में जो मैसेज थे, उन सभी मैसेजेस का एक फॉन्ट बाकी फॉन्ट से अलग था। शायद आप लोगों को पता ना हो, लेकिन हम लोगों के पास इस तरह के सीक्रेट मैसेजेस को डिसाइफर करने के लिए एक मशीन होती है, जिसको सिजेरियन शिफ्ट बोला जाता है। हमने उन सभी अलग अलग फॉन्ट वाले लेटर्स को डिसाइफर करना शुरू कर दिया। कुछ सुराग मिलने की उम्मीद ना के बराबर थी, लेकिन आखिर में हमें एक नाम मिल ही गया, एक प्रॉपर नाम। वो नाम क्या था ये तो मुझे नहीं याद, लेकिन वो प्रॉपर एक आदमी का नाम था। आगे जांच करने पर पता चला कि उस नाम का एक आदमी पास ही के एक घर में रहा करता था। हम वहां पहुंचे और वहां के लोगों से पूछताछ की, तो सभी ने बताया कि वो आदमी तो बहुत ही अच्छा है। वो ज्यादा तो नहीं दिखाई देता, लेकिन जब भी दिखता है तो सभी से बहुत प्यार से, रेस्पेक्ट से बात करता है। वो जिस घर में रह रहा था, वो घर बाहर से तो कुछ खास नहीं था, लेकिन अंदर से वो घर इतना साफ सुथरा और चमकदार था मानो हर घंटे उस घर की सफाई की जाती हो। धूल का एक तिनका तक उसके घर में नहीं था। हम बिना आवाज करे उसके दरवाजे पर पहुंचे तो देखा कि उसका दरवाजा अंदर से बंद नहीं था। हम अंदर चले गए, लेकिन वो वहां नहीं था। लेकिन तभी हमने देखा कि घर के नीचे एक बेसमेंट भी बना था। हम धीरे धीरे बेसमेंट में जाने लगे। बेसमेंट की लाइट जल रही थी, वो वहीं था। ऊपर लटके एक छोटे से बल्ब की हल्की हल्की रोशनी में हम उसे ठीक से नहीं देख पा रहे थे, लेकिन फिर भी हमें पता था ये वही है। वो शायद एक शेल्फ से कुछ उतारने की कोशिश कर रहा था। उसकी पीठ हमारी तरफ थी, और उसके पीछे पहुंचते ही हमने अपनी पिस्टल निकाली
और उस पर लाइट मारते हुए चिल्लाए, हैंड्स अप, जहां हो वहीं खड़े रहो। हमारी आवाज सुनके वो हिला तक नहीं, वहीं खड़ा रहा। हमने कहा, हाथ ऊपर करके धीरे धीरे हमारी तरफ पलटो, लेकिन वो नहीं पलटा। वो तो बिल्कुल किसी स्टैच्यू की तरह वहां खड़ा था। मैंने अपने पार्टनर की तरफ देखा तो आंखों आंखों में ही उसने मुझे उसके पास जाने का इशारा किया। मैं धीरे धीरे उसके पास पहुंचा और उसको पीछे से पकड़ लिया, लेकिन वो तब भी नहीं हिला, बिल्कुल भी नहीं। और तभी हमने नोटिस किया कि वो तो सांस ले ही नहीं रहा था। लेकिन ऐसा कैसे हुआ? अभी तो हमने उसे उस शेल्फ के ऊपर से शायद कोई किताब उतारते देखा था, तो अगले ही पल वो मर कैसे गया? हमने उसी वक्त स्टेशन फोन करके बाकी टीम को वहां बुलाया। वो लोग आए तो उसकी लाश को वहां से निकालने लगे। तब हमने देखा कि उसकी लाश तो पूरी अकड़ी हुई थी, जैसे बर्फ में डूबने के बाद कोई लाश हो जाती है, बिल्कुल वैसी। लेकिन ये सब कैसे हुआ? क्योंकि ऐसा तो तभी होता है जब मरे हुए कई घंटे हो गए हों। लेकिन अभी तो हमने उसे उस शेल्फ में चढ़ते देखा था। ये सब हो क्या रहा था? गुत्थी सुलझने के बजाय उलझती जा रही थी। और उससे भी ज्यादा हैरान कर देने वाली बात थी उसका चेहरा। उसके चेहरे पर डर था, बहुत ज्यादा डर। मान लो आप अपनी पूरी ताकत से चीख रहे हो, तो चीखते हुए आपका चेहरा कैसा होगा? ऐसा चेहरा था उसका। हमने आसपास के लोगों और दुकान वालों से भी पूछा, और जैसा कि हमें लगी रहा था, किसी ने कोई चीखने की आवाज नहीं सुनी थी। जब मेरे पार्टनर ने उस लाश का चेहरा देखा तो उसे तो जैसे करंट सा लग गया। मेरा मतलब डर तो मैं भी गया था, लेकिन उसे उसे तो कुछ हो गया था। उस दिन के बाद उसने किसी से कभी कोई बात नहीं की, ना अपनी वाइफ से, ना अपने बच्चों से। बस पूरा पूरा दिन बैठा खिड़की के बाहर देखता रहता। डिपार्टमेंट के लोगों का कहना था कि वो सदमे से पागल हो गया है, लेकिन मैं ये नहीं मानता। वो कमजोर दिल का आदमी नहीं था, ना ही उसने पहली बार ऐसी कोई लाश देखी थी। मुझे नहीं पता बाद में उसका क्या हुआ। खैर, कुछ दिनों बाद उस घर वाले आदमी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो पता चला कि उसके दिल में उसका ब्लड प्रेशर बढ़ गया था, मतलब ऐसा ही कुछ। डॉक्टर का कहना था कि वो डर के मारे मर गया। मुझे नहीं लगता डर के मारे कोई कैसे मर सकता है, लेकिन डॉक्टर के पास इसके अलावा और कोई जवाब नहीं था। एक क्लू मिला था और वो भी साला मर गया। पहले वाले की तरह इस आदमी का भी उस लड़की से कोई कनेक्शन नहीं था। हाँ, उस शेल्फ के ऊपर उसकी उंगलियों के निशान जरूर मिले थे, लेकिन उससे अब क्या साबित होना था। उनके घर की तलाशी लेने पर हमें एक बंडल मिला, प्लास्टिक की पतली महीन तार का, वही तार जो उस लड़की की लाश पर लपेटी गई थी। फिर 3-4 दिन बाद फॉरेंसिक रिपोर्ट में पता चला कि उस बंडल के अंदर 7 दांत रखे थे, इंसानी दांत। जहां तक मुझे पता है, एक भी दांत को आइडेंटिफाई नहीं किया जा सका था। फिर कई साल बाद, शायद 1993 में, अब इस उम्र में तारीखें याद कहां रहती हैं, लेकिन इस तरह की चीजें एक बार हमारे दिमाग में छप जाती हैं तो फिर जाती नहीं। एक और बहुत ही अजीब केस आया, लेकिन ये बाकी केसेस की तरह नहीं था। इसकी तो शुरुआत ही अजीब ही तरीके से हुई थी। असल में ये केस मुझे नहीं मिला था, बल्कि हमारे एक सीनियर इन्वेस्टिगेटर को मिला था। लेकिन केस पर काम करते हुए अचानक उसकी मौत हो जाने से ये केस मुझे सौंप दिया गया। वो सीनियर डिटेक्टिव 28 सालों से डिटेक्टिव का काम कर रहा था, और इन्वेस्टिगेशन शुरू करने के अगले ही दिन उसकी लाश उसके बेडरूम में लगे बेड के बॉक्स के अंदर रखी हुई पाई गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता चला था कि उसकी मौत हार्ट अटैक से हुई थी, जो कि अपने आप में ही बहुत अजीब बात थी। क्योंकि अगर ऐसा था तो उसकी लाश को बेड के अंदर किसने रखा? ऊपर से उस वक्त उसके कमरे का दरवाजा भी अंदर से बंद था। इसका मतलब
यह किसी दूसरे शख्स का काम भी नहीं हो सकता था। खैर, उसके बाद केस की फाइल मुझे दे दी गई आगे की इन्वेस्टिगेशन पूरी करने के लिए। आगे बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैं भूतों और आत्माओं जैसी किसी भी पैरानॉर्मल चीज पर यकीन नहीं करता हूं। यह एक फैमिली का केस था। एक कोरियन फैमिली थी जिसमें एक आदमी, उसकी वाइफ और एक छोटी बच्ची थे। वो वाइफ जो तब 38 साल की थी, एक दिन उसकी अचानक से अपने ही घर में मौत हो गई। उसकी लाश बाथरूम के फर्श पर पड़ी मिली थी। पूरे क्राइम सीन को देखकर लग रहा था जैसे उसकी मौत बाथरूम में लगे उस शीशे को देखते हुए हुई थी। सबसे पहला शक उसके हस्बैंड पर था। 2 दिनों तक उससे भी पूछताछ की गई, लेकिन तीसरे दिन जब उसको वापस पूछताछ के लिए आना था तो हमें पता चला कि उसकी भी मौत हो गई है। उसकी लाश उसी की कार में मिली थी। उसकी मौत दम घुटने से हुई थी। शरीर पर किसी तरह की कोई चोट या हाथों के निशान नहीं थे, ना ही कार में गैस लीक हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसने खुद ही अपनी सांस रोक के अपना दम घोंट लिया था। तीसरी बची उनकी छोटी लड़की, वो पहले दिन से ही गायब थी। जब मैं खुद पहली बार उस क्राइम सीन पर पहुंचा तो मैंने देखा कि उस घर से हमें जो भी एविडेंसेस मिले थे उनमें कुछ गड़बड़ थी। मैं एक जूनियर डिटेक्टिव के साथ घटना के 3 दिन बाद वहां पे पहुंचा था, लेकिन क्राइम सीन बिल्कुल वैसा ही था जैसा वारदात के समय था। किसी चीज से कोई छेड़छाड़ नहीं की गई थी। सबसे पहले मैं आपको किचन के बारे में बताता हूं। किचन में कुछ कटी हुई सब्जियां रखी थी जो शायद खाना बनाने के लिए रखी गई होंगी। बेबी फूड का पैकेट भी रखा था, शायद उनकी छोटी बेटी के लिए। सब कुछ नॉर्मल था। अंदर लिविंग रूम भी बिल्कुल नॉर्मल था, अच्छे से साफ सफाई की हुई थी। एक अलमारी भी थी जिसमें बहुत सी किताबें रखी हुई थी। मैंने वो किताबें उठाई तो देखा कि सब किताबें कोरियन लैंग्वेज में थी। उनमें क्या लिखा था ये तो मुझे समझ नहीं आया, लेकिन उन किताबों में जिस तरह की तस्वीरें बनी हुई थी लग रहा था जैसे किसी तरह के ब्लैक मैजिक से जुड़ी किताबें हैं। लिविंग रूम में ही एक सोफा भी रखा था जिसके ऊपर एक कैलेंडर रखा था। शायद वो चाइनीज कैलेंडर था क्योंकि उसमें डेट्स के साथ साथ जानवरों की फोटो भी बनी हुई थी। कैलेंडर के साथ में ही एक डायरी भी रखी थी और उस डायरी में बने कैलेंडर पे एक पर्टिकुलर डेट के ऊपर पेन से निशान बनाया हुआ था। हैरानी की बात थी कि ये निशान उसी डेट के ऊपर लगाया था जिस डेट को वो वारदात हुई थी। हम ये सब इन्वेस्टिगेट कर ही रहे थे कि मेरे जूनियर डिटेक्टिव ने बताया कि कॉलेज में उसके साथ कुछ कोरियन स्टूडेंट्स भी पढ़ा करते थे। उसने बताया कि वो जब भी अपने उन दोस्तों के घर रात के टाइम जाता तो देखता कि वो लोग घर के सारे शीशों पर कपड़ा ढक के रखते थे। उसने बताया कि कोरियन कल्चर में ऐसा माना जाता है कि रात के वक्त अगर शीशे को ना ढका जाए तो बुरी शक्तियां शीशे के थ्रू हमारे घर में घुस जाती हैं और घर के छोटे बच्चों को अपने साथ ले जाती हैं। उसकी बात सुनके मुझे तो हंसी आ गई। लगता है कोरिया के लोग कुछ ज्यादा ही कॉमिक बुक्स पढ़ते हैं, मैंने कहा, लेकिन शायद मैं गलत था। हमने नोटिस किया कि पहले दिन उस जगह को इन्वेस्टिगेट करते हुए पुलिस ने फर्श पर चौक से कुछ लाइंस खींची थी। वो लाइंस बहुत ही लंबी थी जो कि किचन से होते हुए पहले उनके बेडरूम और फिर उनके बाथरूम तक खींची गई थी जहां उस औरत की लाश मिली थी। लेकिन वो लाइंस खींची किस लिए थी, क्योंकि हमें तो वहां कुछ भी अजीब नहीं दिखाई पड़ रहा था या शायद हम देख नहीं पा रहे थे। जब मैंने ध्यान से फर्श पर देखा तो पाया कि उस पूरी जगह पर मुंह की लार लगी हुई थी जिसमें बेबी फूड भी मिक्स था, जैसे कि वो लार उस छोटी बच्ची के खाना खाते हुए उसके मुंह से निकली हो। इसका मतलब सिर्फ एक था, वो बच्ची खाना खाते हुए घुटनों पर चलती हुई
किचन से बाथरूम तक गई थी। इसी बीच मेरा पार्टनर आसपास के लोगों से पूछताछ करने चला गया। मैं अब उस पूरे घर में अकेला था। मैं उस जगह पहुंचा जहां उस औरत की लाश बरामद हुई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता चला था कि उसकी मौत हार्ट अटैक से हुई थी, बहुत तेज हार्ट अटैक, और एक ही झटके में वो मर गई। लेकिन यह बहुत अजीब था क्योंकि वो औरत बिल्कुल हेल्दी थी, उसको पहले कभी कोई हार्ट अटैक नहीं आया था। उसकी लाश तो अब वहां से हटाई जा चुकी थी, लेकिन मेरे पास लाश की फोटो थी। फोटो में लाश का चेहरा ऊपर की तरफ था। चेहरे की हालत ऐसी थी जैसे कि मरते वक्त उसकी आंखों में बहुत ज्यादा शॉक था, या फिर डर, बहुत ज्यादा डर। उसकी आंखें इतनी खुली हुई थी जैसे कि अभी फट के बाहर निकल आएंगी, और उसका मुंह खुला था जैसे कि उसने चिल्लाने के लिए अपना मुंह खोला हो, लेकिन मुंह से आवाज निकलने से पहले ही उसकी जान निकल गई। इससे ज्यादा मैं उसके चेहरे को बयान नहीं कर सकता। और हां, उसने हाथ में एक कंघी भी पकड़ी हुई थी, बहुत जोर से। अब मैं आपको उस शीशे के बारे में बताता हूं जिसके सामने उसकी लाश पड़ी थी। वो शीशा ज्यादा बड़ा तो नहीं था, बस नॉर्मल साइज का था, जितना सभी बाथरूम्स में होता है। लेकिन उसके चारों तरफ जो लकड़ी लगी थी वो बहुत ही पुराने जमाने की लग रही थी। वो जरूर कोई एंटीक आइटम था जिसको उन्होंने शीशे के तौर पे यूज करने के लिए अपने बाथरूम में रखा था। अब मेरी बात शायद आपको बचकानी लगे, लेकिन इस तरह के क्राइम्स पर सालों काम करते हुए हम डिटेक्टिव्स को कहीं कुछ गड़बड़ होने का एहसास हो ही जाता है। उस शीशे को देखते ही मैं समझ गया था कि इसमें पक्का कुछ गड़बड़ है। उस शीशे में कुछ था, कुछ बहुत खतरनाक और बुरा, कुछ ऐसा जो दूसरे कमरों में मुझे महसूस नहीं हुआ था। वो तो जैसे जिंदा था, और बाथरूम से बाहर जाते हुए भी मुझे ऐसा लग रहा था जैसे वो शीशा मुझे पीछे से देख रहा है। आपको शायद ये बात बहुत फिल्मी लगे, लेकिन अगर मुझे ऐसा लगे कि कोई मुझे देख रहा है तो इसका सिर्फ एक ही मतलब है कि कोई वाकई में मुझे देख रहा है। वो जो कुछ भी था वो ना सिर्फ मुझे देख रहा था बल्कि बिल्कुल झपटने को तैयार था। ये सब महसूस कर पाने की काबिलियत हमें अपने काम से अपने आप मिल जाती है। जाहिर है मैंने जैसे ही ऐसा महसूस किया, मैंने उसी वक्त पलट के शीशे की तरफ देखा। शीशे में मुझे अपनी परछाई दिखाई दी, लेकिन वो परछाई मेरे पीछे की तरफ की थी। शीशे में मुझे अपनी बॉडी अपने पीछे से दिखाई दे रही थी, जैसे कि कोई मेरे पीछे खड़ा है और मैं उसकी आंखों से अपने आप को देख रहा हूं। और इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता, सामने दिखाई दे रही मेरी परछाई मेरी तरफ बढ़ने लगी। मैंने उसी वक्त एक झटके से पिस्टल निकाली और पीछे पलटा, लेकिन वहां तो कोई नहीं था। वो बाथरूम बिल्कुल खाली था। मेरा दिल धाड़ धाड़ बज रहा था। मैं फिर से शीशे की तरफ पलटा, लेकिन इस बार उसमें मेरी नॉर्मल परछाई नजर आ रही थी, हाथ में पिस्टल पकड़े। मैं कई मिनटों तक खड़ा रहा ये सोच के कि शायद मेरी परछाई फिर से कोई हरकत करे, लेकिन अब सब कुछ नॉर्मल था। कुछ देर बाद जब मेरे दिल की धड़कन नॉर्मल हुई तो मैंने अपने आप को संभाला। मैंने उस शीशे को चारों तरफ से अच्छे से चेक किया कि कहीं शायद कोई कैमरा लगा हो जिससे मुझे मेरे पीछे की परछाई दिखाई दी हो, लेकिन वहां ऐसा कुछ नहीं था। मुझे अभी तक समझ नहीं आ रहा था कि मेरे साथ अभी अभी क्या हुआ था। मैंने उस शीशे को वहां से उतार लिया और अपनी फॉरेंसिक्स टीम को दे दिया कि शायद वो ही उसके बारे में कुछ और पता लगा सके। मैंने उस शीशे को एक प्लास्टिक बैग में डाला और बाहर अपनी कार में पीछे वाली सीट पर रख दिया। फिर मैंने अपने साथी को भी कॉल करके बुला लिया। वहां से स्टेशन जाने तक पूरा टाइम मुझे ऐसा लगता रहा जैसे कोई मेरी कार की पीछे वाली सीट पर बैठा
मुझे घूर रहा है। सच बताऊं तो उस वक्त तक मैं इतना घबरा गया था कि मुझे पलट के उस शीशे को देखने में भी डर लग रहा था। फिर स्टेशन पहुंच के मैंने वो शीशा अपनी फॉरेंसिक्स टीम को सौंप दिया और अपने कैबिन में चला गया। अपने कैबिन में बैठा मैं उस केस से जुड़ी सब फोटोग्राफ्स को देख ही रहा था कि तभी मैंने एक बहुत ही अजीब चीज नोटिस की। इस केस में अभी तक 3 लोगों की मौत हो चुकी थी, 2 तो वो हस्बैंड और वाइफ और तीसरा मेरा सीनियर डिटेक्टिव। लेकिन उन 3 की ही लाशों में एक चीज कॉमन थी, उनके चेहरे। उन 3 के चेहरों पर डर था, बहुत ज्यादा डर, ऐसा जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। जिस तरह से उन 3 की आंखें बिल्कुल बाहर निकली हुई थी और उनके मुंह खुले हुए थे, जैसे कि वो डर के मारे चीखना चाह रहे हों या शायद अपनी जान की भीख मांग रहे हों। वो वाकई में बहुत परेशान कर देने वाला था। उस औरत की लाश एक तरफ थी और उसका चेहरा दूसरी तरफ, जबकि उसके पति का चेहरा उसी की कार की पीछे वाली सीट के अंदर घुसा हुआ था। और मेरा वो सीनियर डिटेक्टिव वो जिस बेड में बंद था, उस बेड में एक बड़ा सा शीशा भी रखा था। उन 3 की मौतें किसी न किसी शीशे के सामने हुई थी। क्या यह महज कोई इत्तेफाक था? क्या उन्होंने भी वही देखा था जो मैंने देखा था? फिर उसी शाम जब मैं स्टेशन से निकल रहा था तो मुझे वही फॉरेंसिक्स ऑफिसर मिल गया जिसको मैंने वो शीशा दिया था। गुड इवनिंग सर, वो बोला। आपके उस शीशे को चेक करने में हमें कुछ प्रॉब्लम आ रही थी। प्रॉब्लम? कैसी प्रॉब्लम? मैंने पूछा। वो सर, एक्चुअली हम उस शीशे पे बने फिंगरप्रिंट्स को नहीं ले पाए। मुझे नहीं पता था वो किस बारे में बात कर रहा है। मेरे हिसाब से तो उस पर कोई फिंगरप्रिंट्स थे ही नहीं, या शायद जल्दबाजी में मैंने उनको ध्यान से देखा ही नहीं था। फिंगरप्रिंट्स? कैसे फिंगरप्रिंट्स? मैंने पूछा। वो सर, फिंगरप्रिंट्स छोटी छोटी उंगलियों के निशान। उनके साइज से लग रहा था जैसे वो किसी 8-9 महीने के बच्चे की उंगलियों के निशान है। उसकी ये बात सुनके मेरे तो पैरों तले जमीन ही खिसक गई। ये जरूर उनकी लापता बच्ची के निशान होंगे जिसको हम नहीं ढूंढ पाए थे। लेकिन बात सिर्फ इतनी नहीं थी। उसने बताया कि उंगलियों के निशान शीशे के ऊपर नहीं बल्कि दूसरी तरफ थे, मतलब कि उनको सिर्फ उन फिंगरप्रिंट्स की परछाई दिखाई दे रही थी। फिंगरप्रिंट शीशे के अंदर थे, दूसरी तरफ। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने पूछा। ऐसा ही है सर, हमने आज तक ऐसे हजारों फिंगरप्रिंट्स लिए हैं लेकिन ऐसा हमने कभी कुछ नहीं देखा। इतने में मेरा जूनियर पार्टनर भी वहां आ गया जिसने मुझे कोरियन कल्चर के बारे में बताया था। वो मेरी तरफ देख रहा था। हम दोनों के दिमाग में एक ही बात चल रही थी। हम कुछ नहीं बोले और वहां से चले गए। उस शीशे को एक बड़े से बॉक्स में बंद करके स्टोर रूम के एक कोने में फिर कभी ना निकालने के लिए रख दिया गया। उंगलियों के उन निशानों को भी कोई मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट समझ के टाल दिया गया। यह केस अब बंद किया जा चुका है लेकिन सुलझाया नहीं जा सका। 2 रहस्यमयी मौतें, 1 लापता बच्ची और 1 मरे हुए डिटेक्टिव के साथ इस केस को भी दफना दिया गया। लेकिन मैं आज भी अंधेरा होने के बाद अपने घर के सब शीशे ढक देता हूं। पहले 3 केसेस में मैंने आपको बताया था कि कैसे कई बार हमारा सामना ऐसे केसेस से होता है जो पहले दिन से ही बिल्कुल इम्पॉसिबल होते हैं, मतलब कि ऐसे ऐसे केसेस जहां किसी की मौत होती है लेकिन मौत होने और उसके बाद के पूरे घटनाक्रम का कोई सिर पैर नहीं होता। जैसे कि आप कोई फिल्म देख रहे हो, अंतर बस इतना होता है कि ये कोई फिल्म नहीं होती बल्कि असल जिंदगी में हो रहा होता है। ऐसा ही एक केस मेरे पास आया था 90 के दशक के आखिर में। हमारे पास एक कॉल आई थी, मर्डर का शक था। जो न्यूज़पेपर वाला रोज सुबह उस घर में अखबार डालने जाता था
उसने बताया कि कई दिनों से अखबार घर के बाहर ही पड़े हुए थे, उठाए नहीं जा रहे थे। तो उसको शक हुआ तो उसने पुलिस को इन्फॉर्म किया। दो पुलिस वाले वहां चेक करने गए तो उन्होंने बाहर से ही खिड़की से देखा कि घर के अंदर ऊपर सीलिंग से खून टपक रहा था, नीचे कारपेट भी खून से सना हुआ था। तो उन्होंने उसी वक्त वहां पुलिस फोर्स बुलाई, किसी तरह उस घर के अंदर गए और फिर हमें कॉल किया गया। मुझे वो फोन कॉल आज भी याद है। एक केस आया है, शायद मर्डर है, कुछ समझ नहीं आ रहा। हमेशा हमेशा ही पुलिस कॉल की टोन से ही हम समझ जाते थे कि ये केस कैसा होने वाला है, और वो फोन कॉल सुनते ही मैं समझ गया था कि ये भी बहुत ही टेढ़ा केस होने वाला है। खैर, इस पर्टिकुलर केस की बात करूं तो ये केस मुझे और मेरे एक नए पार्टनर को दिया गया था। मेरे इस पार्टनर का नाम था मैलॉय। वो वैसे तो डिपार्टमेंट में काफी पुराना था लेकिन मुझसे जवान था, और उसका कुछ ही दिन पहले दूसरे स्टेट से यहां ट्रांसफर हुआ था। हम दोनों का यह एक साथ पहला केस था। इस तरह के इम्पॉसिबल केसेस से उसका भी पहले सामना हो चुका था। कहने का मतलब कि हम दोनों पहले से ही मेंटली प्रिपेयर्ड थे इस सब के लिए जो हम अब देखने वाले थे। तो मैं और मलॉय जल्दी से उस जगह पहुंचे तो देखा कि सब लोग घर के बाहर ही खड़े थे। कार से उतरते हुए हम लोग सोच रहे थे कि शायद ये सब क्राइम सीन के साथ छेड़छाड़ ना हो इसीलिए बाहर खड़े हैं, लेकिन जब उनके पास गए तो देखा कि सबके चेहरों का रंग उड़ा हुआ था। हम कैजुअली उनके पास गए और पूछा, और क्या चल रहा है यहां? लेकिन उनमें से किसी ने कुछ नहीं बोला। फिर हमने सबसे पहले घर को बाहर से ही चारों तरफ से घूम के देखते हुए पुलिस वाले से पूछा कि घर को क्लियर कर दिया गया है ना, कोई है तो नहीं अभी घर के अंदर? तो उस पुलिस वाले ने हल्की सी आवाज में कहा, हाँ क्लियर कर दिया गया है। शायद वो कोई नया पुलिस वाला था। तो मैं और मलॉय घर के अंदर गए। घर बिल्कुल नॉर्मल था, किसी आम शहरी घर की तरह। अंदर हॉल में एक कारपेट था जिसपे लाल रंग के निशान बने थे। देखने से ही पता चल रहा था कि वो ब्लड है। फिर हमारी नजर ऊपर सीलिंग पर पड़ी तो देखा कि ऊपर सीलिंग से भी ब्लड टपक रहा था जो कि नीचे उस कारपेट पर गिर रहा था। आपने किसी पुराने घर की छत को बारिश में टपकते देखा है, एक एक बूंद करके? बिल्कुल ऐसे ही वो खून उस छत से टपक रहा था, गाढ़े लाल रंग का खून। अब जाहिर है कि हमारे दिमाग में सबसे पहले यही आया कि शायद ऊपर वाले फ्लोर पर लाश पड़ी है। तो मैं और मलॉय ऊपर जाने लगे। जिस तरह से वो सब लोग एक्ट कर रहे थे, हमें लग रहा था कि ऊपर हमें कुछ बहुत बुरा देखने को मिलेगा। हम ऊपर उस कमरे में गए जो कि उस हॉल के ठीक ऊपर था, तो देखा कि वहां तो कुछ भी नहीं था। मेरा मतलब एक नॉर्मल रूम के अलावा वहां तो एक खून की छींट भी नहीं थी। हमें उस रूम में गए बस 5 सेकेंड ही हुई थी कि तभी एक अजीब सी आवाज आई। आवाज बिल्कुल ऐसी थी जैसे कि साथ वाले कमरे में किसी ने अपनी उंगली दीवार पर एक एक करके मारी हो। मैं और मलॉय उसी वक्त उस कमरे की तरफ घूम गए जहां से वो आवाज आई थी। कोई उस कमरे के अंदर था, लेकिन कौन? क्योंकि हमें तो बताया गया था कि वो घर क्लियर किया जा चुका है। ऊपर से हमें दी गई इंफॉर्मेशन के हिसाब से उस घर में एक औरत अकेली रहती थी, ना उसके बच्चे थे ना कोई हस्बैंड, यहां तक कि उसके सारे रिलेटिव्स भी दूसरे स्टेट्स में रहते थे। तो उस कमरे में कौन हो सकता था? कमरे का दरवाजा बंद था। मैंने और मलॉय ने जल्दी से अपनी अपनी पिस्टल्स निकाली और उस दरवाजे की तरफ बढ़ने लगे और एक झटके से लात मार के हैंड्स अप हमने उस दरवाजे को खोल दिया।
मालवा ने पिस्टल कमरे की तरफ कर रखी थी और मैंने दरवाजे की तरफ, लेकिन अंदर तो कोई भी नहीं था। हम 2 मिनट तक बिल्कुल वैसे ही खड़े रहे, लेकिन वहां से कोई आवाज नहीं आई। और मैं जैसे ही चल के मालवा से आगे बढ़ने लगा, तभी हमें वो आवाज फिर से सुनाई दी, बिल्कुल पहले जैसी आवाज। फर्क सिर्फ इतना था कि इस बार वो आवाज उस कमरे से आई थी जिससे अभी अभी हम यहां आए थे। हम जल्दी से फिर से उस रूम में गए, लेकिन वहां भी कोई नहीं था। उस रूम से सीढ़ियां ऊपर टेरेस पर जा रही थी। हमें लगा शायद वो जो कोई है वो सीढ़ियों से ऊपर तो नहीं चला गया। मैं वहीं खड़ा रहा और मालवा ने सीढ़ियों वाला दरवाजा खोल के ऊपर की तरफ देख के मुझे इशारा किया कि वहां कोई नहीं है। लेकिन फिर वो आवाज फिर से आई और एक के बाद एक आती रही, कभी हमारे पैरों के नीचे से, तो कभी साइड की दीवार से, तो कभी ऊपर सीलिंग से। एक पॉइंट तो ऐसा आ गया कि हमें लग रहा था कि हम किसी भगदड़ के बीच में फंस गए हैं। 1 मिनट तक ऐसा ही चलता रहा और फिर जैसे अचानक से यह सब शुरू हुआ था वैसे ही बंद हो गया। मैं और मालवा वहीं खड़े थे, अपनी पिस्टल हाथों में लिए, पागलों की तरह इधर उधर देखते हुए। 10 मिनट तक हम वहीं एक कमरे से दूसरे कमरे में भागते रहे। फिर 10 मिनट बाद जब हम नॉर्मल हुए तो हमने पुलिस वालों को वहां बुला के उस घर को ऊपर से नीचे तक फिर से क्लियर करवाया। फर्स्ट फ्लोर, नीचे ग्राउंड फ्लोर, बेसमेंट, मैं खुद हर जगह जाके चेक कर रहा था कि कहीं कोई जगह मिस ना हो जाए। वो घर बिल्कुल खाली था, वहां कोई नहीं था सिवाय हमारे, ना ही वहां कोई लाश थी। लेकिन ये हो कैसे सकता था, क्योंकि उस सीलिंग से खून की बूंदें अभी भी टपक रही थी। कहीं ऐसा तो नहीं था कि ऊपर वाले कमरे के फर्श के अंदर ही लाश को छुपाया गया हो। मैं और मालवा 2 पुलिस वालों को लेके फिर से ऊपर वाले फ्लोर पर गए। हमने नोटिस किया कि ठीक उस स्पॉट के ऊपर जहां से नीचे वो खून टपक रहा था, वहां एक पायदान यानी कि एक रग रखा हुआ था, जैसे कि नॉर्मली घरों में रखा जाता है। हमने वो पायदान हटाया तो देखा कि उसके नीचे एक छोटा सा दरवाजा टाइप बना था, बहुत ही छोटा। मैं उसको दरवाजा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि उसमें किसी नॉर्मल दरवाजे के जैसे ही कब्जा लगा हुआ था। उस दरवाजे का साइज इतना होगा जितना एक छोटी बुक का होता है। मैंने वो दरवाजा खोला और टॉर्च से अंदर लाइट मार के देखा, लेकिन उसके अंदर कुछ नहीं था, मतलब कि कोई लाश नहीं थी या ऐसा कुछ भी जिसमें से वो खून निकल सकता था। फिर हमने कुछ लोगों को वहां बुला के वो पूरा फ्लोर भी तुड़वाया, लेकिन उसके अंदर सिवाय ईंटों और सीमेंट के अलावा और कुछ भी नहीं था, मतलब कि ऊपर से तो वो जगह बिल्कुल सूखी थी और नीचे से उसमें से खून टपक रहा था, और ये बिल्कुल इम्पॉसिबल था। हमने ऊपर वाला वो फर्श पूरा नहीं तोड़वाया था, बस इतना जरूर तोड़वा दिया था कि ये पक्का हो जाए कि उसके अंदर कोई लाश नहीं छुपाई गई है। तब तक रात के 2:30 बज चुके थे। मालवा बोला, क्या किया जाए, अब इस फर्श को पूरा तोड़वा के देखा जाए क्या? मैंने उसको कुछ बोला तो नहीं, लेकिन वो समझ गया था कि इससे कुछ नहीं होने वाला। उस फर्श के अंदर कोई लाश नहीं थी। तब तक वहां बाकी के लोग भी आ चुके थे, मेरा मतलब फोरेंसिक्स टीम, फोटोग्राफर्स वगैरह। मैं और मालवा उस वक्त नीचे किचन में ही खड़े थे कि तभी मालवा बोला, तुमने वो सुना क्या? क्या क्या सुना, मैंने पूछा। और तभी फिर से मालवा बोला, आवाज फिर से आई, तुमने सुनी नहीं क्या? मैं पूरा ध्यान लगा के सुनने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मुझे कुछ नहीं सुना। क्या सुनाई दिया तुमको, मैंने उससे पूछा। और मैं बिल्कुल सच बता रहा हूं, अगले ही पल मेरी तो जैसे दिल की धड़कन ही रुक गई।
मलॉय मेरे सामने खड़ा था, बिल्कुल मेरी आंखों में देखता हुआ। बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे वो मेरे आर पार देख रहा है। उसका चेहरा बिल्कुल सफेद पड़ गया था। उसकी आंखें, उसके होंठ, उसका मुंह, सब कुछ ऐसा हो गया था कि जैसे उसकी जान निकल गई हो। मुझे लगा कहीं मेरे पीछे तो कोई नहीं है जिसको वो देख रहा हो। मैंने फट से पीछे मुड़के देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। मलॉय, क्या हुआ तुमको? मैंने उसको हिलाते हुए कहा, तो उसने मेरे पीछे की तरफ इशारा किया। मैंने पीछे देखा तो वो पीछे बेसमेंट के दरवाजे की तरफ इशारा कर रहा था। दरवाजा बंद था। मैंने फिर से मलॉय की तरफ देखा। अब उसका चेहरा थोड़ा नॉर्मल लग रहा था। मैंने उससे फिर से पूछा, मलॉय क्या हुआ है तुमको? तुमने सुना नहीं क्या? उसने बस इतना ही कहा मुझसे। मैंने कहा, नहीं मैंने कुछ नहीं सुना। वो बोला, हमें बेसमेंट में फिर से चेक करना होगा। मैंने कहा, ठीक है, हम एक बार तो उसको चेक कर ही चुके हैं, एक बार फिर से कर लेते हैं। हमने बेसमेंट का दरवाजा खोला ही था कि तभी बेसमेंट की लाइट चली गई। बाकी पूरे घर में लाइट थी लेकिन बेसमेंट में नहीं थी। तो हम अपनी फ्लैशलाइट्स ऑन करके नीचे जाने लगे। सीढ़ियों से जाते हुए मैंने उससे पूछा, हम नीचे जा क्यों रहे हैं? हमने तो ये चेक कर लिया था ना? वो बोला, हाँ लेकिन हमें फिर से चेक करना है। तुमने वो सुना नहीं क्या? मैंने उससे कुछ नहीं कहा। हम पहली बार एक साथ किसी केस पर काम कर रहे थे और उसको रेस्पेक्ट देते हुए मैंने उससे ज्यादा कुछ नहीं पूछा। इस केस में हम दोनों बराबर के पार्टनर्स थे। मैं बस बिना ज्यादा सवाल पूछे उसके साथ नीचे उतरने लगा। नीचे गए तो फ्लैशलाइट की रोशनी में देखा कि बेसमेंट बिल्कुल वैसा ही था जैसा हमने पहले देखा था। वहां कोई नहीं था और तभी वही आवाज सुनाई थी। बेसमेंट में कुछ लोहे के रैक्स रखे थे। वो आवाज वहीं से आती लग रही थी। हमने झट से उस तरफ लाइट की लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर से दूसरी तरफ रखे कुछ बॉक्सेस में से वो आवाज आई। तुमने सुना नहीं क्या? मलॉय फिर से बोला। वो आवाज हमारे चारों तरफ से आने लगी, दीवार से, अलमारी से, बॉक्सेस से, हर तरफ से। मेरा सिर दर्द होने लगा था। मैं अंधेरे में ही इधर उधर लाइटें मारता हुआ देख रहा था और तभी मुझे मलॉय सामने एक कोने में खड़ा दिखाई दिया। वो बिल्कुल सीधा खड़ा था, चेहरा सफेद, आंखें फटी हुई, जैसे कि उसने ना जाने क्या देख लिया हो। और वो मेरे पीछे की तरफ इशारा कर रहा था। सच बताऊं तो मैं अपने आप को बहुत ही बहादुर इंसान मानता था, लेकिन उस वक्त मैं इतना डर गया था कि मैं बता नहीं सकता। मेरे पीछे कोई था और उसकी मौजूदगी मैं बहुत अच्छे से महसूस कर रहा था। पीछे मुड़के देखने की हिम्मत नहीं थी मुझमें। मुझे लग रहा था कि मेरे पीछे पलटते ही वो मुझ पे झपट पड़ेगा। और तभी, तुमने सुना नहीं क्या? तुमने सुना नहीं क्या? तुमने सुना नहीं क्या? मलॉय बार बार ये बोलता जा रहा था। मैं उसके ऊपर चिल्लाया, चुप हो जाओ मलॉय, क्या हुआ है तुमको? मैंने पीछे मुड़के देखने की हिम्मत जुटाई जिस तरफ मलॉय इशारा कर रहा था, तो देखा कि वहां बेसमेंट की सीलिंग में एक जगह ऐसी थी जहां का पेंट बिल्कुल नया नया लग रहा था। बिल्कुल उस दरवाजे की शेप में जो हमें ऊपर फर्स्ट फ्लोर के फर्श में मिला था। मैं उस बेसमेंट में पहले कम से कम 3 बार आ चुका था, लेकिन हम में से किसी ने भी वो नोटिस नहीं किया था। मलॉय भी तब तक चुप हो गया था, लेकिन उसने मुझे कहा कि मुझे बहुत डर लग रहा है। और तभी वो आवाजें फिर से आने लगी, लेकिन इस बार वो आवाजें इतनी तेज आ रही थी कि मुझे लग रहा था कि मेरा सिर फट जाएगा। मैं अपने कानों पे हाथ रख के नीचे बैठ गया। आवाज इतनी तेज थी कि दूर दूर के घरों तक भी सुनाई दे रही होगी। लेकिन मुझे हैरानी थी कि ऊपर खड़े बाकी के लोग वो आवाज सुन के भी
नीचे क्यों नहीं आ रहे थे? और फिर वो आवाज अचानक से शांत हो गई, जैसे एकदम से शुरू हुई थी। मैं उठा और मलोई की तरफ देखा तो वो एक कोने में बैठा किसी बच्चे की तरह रो रहा था। मैंने उससे कुछ नहीं कहा, बस उसका हाथ पकड़ के उसको बेसमेंट से बाहर ले आया। सच बताऊं तो मैं उस मनहूस जगह पे एक सेकंड और नहीं रुकना चाहता था, लेकिन ड्यूटी की मजबूरी थी कि हमें वहां रुकना पड़ा। ऊपर जाके सबसे पहले तो मैं सबके ऊपर चिल्लाया, सब बहरे हो गए हो क्या? सुनाई नहीं दे रहा तुम लोगों को? तो वो सब हैरानी से हम दोनों की तरफ देखने लगे। जाहिर था उन लोगों ने कुछ नहीं सुना था। मैंने बात पलटते हुए कहा, मैं कितनी देर से आवाजें दे रहा हूं, तुम लोगों ने सुना नहीं क्या? वो बोले, सॉरी सर, हमें आपकी आवाज सुनाई नहीं दी। फिर मैं उन कंस्ट्रक्शन वाले कुछ लड़कों को जल्दी से नीचे लेकर गया और उस जगह की सीलिंग तुड़वाई जहां वो नया नया पेंट करा दिखाई दे रहा था। उन्होंने हथौड़ों से मार के वहां से थोड़ा सा ही प्लास्टर हटाया था कि वहां से एक छोटा सा बैग बाहर निकल के गिरा। वो एक छोटा सा पोटली टाइप बैग था। बैग खोला तो देखा कि उसके अंदर 3 कटी हुई उंगलियां रखी थीं। देखने से ही पता चल रहा था कि वो किसी लड़की के हाथ की उंगलियां हैं। उस बैग के अलावा वहां और कुछ नहीं था। आखिर में हम बेसमेंट से बाहर निकले तो देखा कि उस तरह के निशान, मेरा मतलब वो नया नया पेंट किए गए निशान, जैसे हमको बेसमेंट की सीलिंग में मिले थे, हमें पूरे घर में जगह जगह दिखाई देने लगे। सब जगह हमने प्लास्टर तोड़ के देखा तो हर जगह वैसे ही छोटे छोटे बैग्स मिले और हर एक बैग में थी उंगलियां। हमें उस घर में से इस तरह के कम 6 बैग्स मिले थे। बाद में फॉरेंसिक्स में पता चला कि उनमें से ज्यादातर उंगलियां उसी घर के पुराने मालिकों की हैं। और इन्वेस्टिगेशन करने पर पता चला कि पिछले कम से कम 5 दशकों से जितने भी मालिक उस घर में आए थे वो सब के सब मारे गए थे। उनमें से एक ने तो सुसाइड किया था और बाकी सब की नेचुरल डेथ हुई थी। लेकिन ये सब कुछ कैसे हो सकता था, क्योंकि वो उंगलियां तो बिल्कुल अच्छी कंडीशन में लग रही थी। मेरा मतलब कोई आदमी जिसकी मौत 10 साल पहले हो गई हो, उसकी उंगली तो आज की डेट में बिल्कुल सड़ चुकी होनी चाहिए, लेकिन वो उंगलियां वैसी नहीं थीं। सब कुछ हमारी समझ से परे था। मेरा वो पार्टनर मलॉय, उस साले ने 2 दिन बाद ही जॉब से रिजाइन कर दिया। मैंने उससे कई बार उस रात के बारे में बात करने की कोशिश की, लेकिन वो कुछ नहीं बताता था। बाद में मुझे पता चला कि उसने 2 बार सुसाइड करने की भी कोशिश की थी, लेकिन बच गया। आज वो अपनी बेटी के साथ कैलिफोर्निया में रह रहा है। उसके बाद के कई सालों तक भी बीच बीच में मैं उसकी खबर लेता रहता था। पता चला कि उसको किसी तरह के दौरे आने लगे थे, जिनमें वो बार बार बस एक ही बात बोलता था, तुमने सुना नहीं क्या? इस केस की बात करूं तो 4-5 दिन बाद मुझे फिर से उस घर के अंदर जाना था। मैं गया भी, लेकिन सिर्फ दरवाजे तक। अकेले उस घर के अंदर जाने की हिम्मत मैं नहीं जुटा सका, लेकिन केस सॉल्व करने के लिए मैं जितनी कोशिश कर सकता था मैंने की। बस उस घर के अंदर मैं फिर कभी नहीं गया। और हाँ, उस औरत के बारे में आस पड़ोस में रहने वाले लोगों से पूछताछ करने पर पता चला कि जिस दिन हम उस घर में गए थे उसी दिन सुबह सुबह उसके एक पड़ोसी ने उसको बाहर सड़क पर कहीं जाते हुए देखा था, जिसका मतलब था कि वो बेशक कई दिनों से अपने न्यूज़पेपर्स नहीं उठा रही थी, लेकिन वो उसी घर में थी सही सलामत। लेकिन उसके बाद वो कहाँ गई उसका कुछ पता नहीं चल सका। फिर 7 साल बाद अचानक एक दिन मुझे और मलॉय को किसी ने मेल से एक टेप भेजा। वो एक सीसीटीवी टेप था, किसी पेट्रोल पंप से लिया हुआ।
वीडियो टेप में जो टाइम स्टैम्प थी उसके हिसाब से वो टेप उस दिन हमारे उस घर में जाने के 2 घंटे बाद का था। पेट्रोल पंप के सामने एक रोड थी जिसमें कुछ काम चल रहा था और वहां लगे पेड़ों को वहां से हटाया जा रहा था। तभी वो औरत वहां आई, उसने अपना पर्स उस पेड़ काटने वाली मशीन के ऊपर रखा। पर्स के अंदर सिर्फ उसका आईडी कार्ड था। फिर वो झुकी और एक झटके से उस पेड़ काटने वाली मशीन के अंदर घुस गई। यकीन नहीं होता ना, लेकिन बिल्कुल ऐसा ही था। उससे भी अजीब बात यह थी कि वो टेप फ्लोरिडा स्टेट के एक पेट्रोल पंप से भेजा गया था जो कि उसके घर से कम 1200 किलोमीटर दूर था। अपने घर से इतनी दूर वो कैसे पहुंची और उसने अपने आप को ऐसी दर्दनाक मौत क्यों दी, इसका जवाब मुझे कभी नहीं मिल सका। खैर, एक और ऐसे ही इम्पॉसिबल केस के बारे में बताऊं तो ये मेरे डिटेक्टिव कैरियर का पहला ऐसा इम्पॉसिबल केस था। तो जैसा कि मैं बता रहा था कि ऐसे अजीब अजीब केसेस मेरे डिटेक्टिव कैरियर में मुझे मिलते रहे हैं, लेकिन सर्विस के दौरान हम इन सब चीजों को डिपार्टमेंट के बाहर के किसी आदमी के साथ डिस्कस नहीं करते थे। लेकिन अब जबकि मैं रिटायर हो चुका हूं तो डिपार्टमेंट के बिना किसी डर के मैं आपको इन सब केसेस के बारे में बता सकता हूं। तो आज मैं आपको अपने कैरियर के एक ऐसे अजीबोगरीब केस के बारे में बताता हूं जिसने मेरी रातों की नींद तक उड़ा के रख दी थी। ये शायद 1977 या 76 की बात होगी, मतलब कि मेरे डिटेक्टिव बनने के करीब 1 साल बाद की। मैं अपने एक पार्टनर के साथ अपनी डेस्क पर बैठा कुछ बातें कर रहा था, तभी हमारा सीनियर सार्जेंट वहां आ जाता है। वो मेरे पार्टनर के पास जाके चुपके से उसके कान में कुछ बोलता है और फिर अपने ऑफिस में चला जाता है। मैंने अपने पार्टनर से पूछा कि सार्जेंट ने क्या कहा, तो वो बिना कुछ बोले खड़ा हो गया, बोला चलो ड्यूटी करने का टाइम हो गया है, और फिर वो बाहर की तरफ निकल गया। मैं भी उसके पीछे पीछे बाहर चला गया। बाहर हमारी कार खड़ी थी जिसे मेरा पार्टनर ही ड्राइव करता था। असल में सार्जेंट ने उसे एक क्राइम सीन पर पहुंचने को कहा था और वहां से जाते हुए मेरे पार्टनर ने, जिसका नाम मैथ्यू था, उसने मुझे प्यार से समझाया। वो जानता था कि मैं नया हूं और इस तरह के केसेस से मेरा कभी सामना नहीं हुआ है। मैथ्यू ने मुझसे कहा, मैं इस डिपार्टमेंट में पिछले 11 सालों से काम कर रहा हूं। मैंने बहुत सारे केसेस पर काम किया है, बहुत सारे केसेस सॉल्व किए हैं। मैं डिपार्टमेंट का बेस्ट डिटेक्टिव तो नहीं हूं, लेकिन मैं अपनी ड्यूटी को बहुत अच्छे से निभाता आया हूं। अगर कोई मर्डर हुआ है तो मैं कातिल तक पहुंच ही जाऊंगा, इतना मुझे पता है। लेकिन कई बार तुम्हें ऐसे केसेस भी मिलते हैं जिनका कोई सिर पैर नहीं होता। मेरा मतलब ऐसे केसेस जहां तुमको सारे एविडेंस, सारे प्रूफ मिल जाते हैं, लेकिन वो एविडेंसेस और प्रूफ्स मिलकर भी केस को सुलझाने के बजाय और मुश्किल बना देते हैं। मुझे यकीन है कि तुम्हारा सामना भी इस तरह के केसेस से होता रहेगा। बस एक चीज हमेशा ध्यान में रखना कि चाहे तुम कितना भी जोर लगा लो, इन केसेस को सॉल्व नहीं कर पाओगे। डिपार्टमेंट में हम इनको इम्पॉसिबल केसेस के नाम से बुलाते हैं और इस तरह के केसेस को हमेशा दबा के रखा जाता है। डिपार्टमेंट को पसंद नहीं कि इन केसेस के बारे में ज्यादा बातें की जाए। मैं तुमको डराने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, बस पहले से प्रिपेयर कर रहा हूं, क्योंकि ऐसे केसेस पर भी तुम्हें काम करना पड़ सकता है। और अभी हम जिस केस के लिए जा रहे हैं वो भी शायद ऐसा ही एक केस है। मैं ध्यान से मैथ्यू की सारी बातें सुन रहा था। बातों बातों में कब आधा घंटा बीत गया हमें पता ही नहीं चला। हम शहर से बाहर के इलाके की तरफ जा रहे थे। उस जगह चारों तरफ सिर्फ खेत ही खेत थे और फिर एक कच्चे रास्ते से ड्राइव करते हुए हमें वो घर आता दिखाई दिया
वहां पहले से ही पुलिस की कई गाड़ियां खड़ी थी। घर के चारों तरफ पुलिस की पट्टी लगाई हुई थी जिससे कि कोई उसके अंदर ना घुस सके। वहां पहुंचे तो देखा कि पुलिस लेफ्टिनेंट वहां पहले से खड़ा था। मैथ्यू ने धीमी सी आवाज में मुझे बताया कि जब भी ऐसा कोई केस आता है तो हमेशा बड़े ऑफिसर्स को ही भेजा जाता है। तो वहां पहुंच के मैथ्यू ने कार साइड में लगाई, लेफ्टिनेंट के पास गए तो उसने हमसे हाथ मिलाया, गुड लक, बस इतना ही कहा था उसने। उसके बाद मैथ्यू मुझे घर के अंदर ले जाने लगा। वहां बहुत सारे पुलिस वाले और दूसरे लोग पहले से खड़े थे। कोई उस घर की फोटो खींच रहा था तो कोई फॉरेंसिक एविडेंस कलेक्ट कर रहा था। उस घर के साथ में ही एक बड़ा सा पोल था जिसके चारों तरफ बहुत सारे लोग खड़े थे। वहां से जाते हुए मैंने कुछ लोगों को बातें करते सुना, ऐसा कैसे हो सकता है, ये कैसे हो गया, इसी तरह की बातें कर रहे थे सब। कहने का मतलब कि एक्चुअल क्राइम सीन पर पहुंचने से पहले ही मैं समझ गया था कि किसी बहुत ही अजीब चीज से सामना होने वाला है। लेकिन ऐसा क्या हो सकता था, मैं मन ही मन सोच रहा था। हम घर के अंदर घुसे, वो घर ठीक नहीं था। मेरा मतलब घर तो वो लग ही नहीं रहा था, उसकी दीवारें नहीं थी, बस चारों तरफ से प्लास्टिक की प्लेट से उसको ढका हुआ था। ऐसा लग रहा था कि किसी ने बस काम चलाने के लिए वो जगह बनाई थी। नीचे वाला फ्लोर बिल्कुल नॉर्मल था, ऊपर फर्स्ट फ्लोर पर एक बेडरूम था। हमें बताया गया कि वो ही क्राइम सीन है। एक पुलिस वाले ने बताया कि उसने इस तरह का केस अपनी लाइफ में कभी नहीं देखा। मुझे ठीक से तो याद नहीं कि मेरे दिमाग में उस वक्त क्या चल रहा था, लेकिन मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि शायद कोई बहुत ही ब्रूटल मर्डर होगा। चारों तरफ खून ही खून और मांस के लोथड़े पड़े होंगे, ऐसा ही कुछ। लेकिन वहां पहुंचे तो देखा कि वहां तो खून की एक बूंद तक नहीं थी। सिर्फ खून ही नहीं, वो जगह तो बिल्कुल साफ थी। इतनी साफ मानो एक एक चीज को टूथब्रश लेके साफ किया गया हो। वो बेडरूम बिल्कुल खाली था सिवाय एक छोटी सी टेबल के। हमारे जमाने में ऐसी टेबल्स को टीवी रखने के लिए यूज किया जाता था और उस टेबल के ऊपर कुछ मेडिकल का सामान रखा था, जैसे कि बैंडेजेस, सीजर्स, स्कैल्पेल और भी कई सारी चीजें। मतलब कि सिर्फ ऐसी चीजें जिनको सर्जरी में यूज किया जाता है। वो सारी चीजें भी बिल्कुल साफ थीं, लेकिन वो बॉडी, डेड बॉडी, समझ नहीं आ रहा था कि उसको क्या कहूं। वो बॉडी एक कोने में दीवार की तरफ थोड़ा सा झुक के खड़ी हुई लग रही थी। उसके पैर उस बॉडी में सीले हुए थे। मतलब कि आप समझ रहे हो, जैसे कि वो पैर किसी दूसरी बॉडी से काटकर उस बॉडी में सुई धागे से सील दिए गए हो। दोनों पैर, यहां तक कि दोनों पैरों का रंग भी बाकी की बॉडी से बिल्कुल अलग था। वो पक्का किसी दूसरी बॉडी के पैर थे। लेकिन हैरानी थी कि वहां खून का एक कतरा तक नहीं था। दिमाग चकराया ना, लेकिन वो ऑपरेशन, अब किसी और के पैरों को दूसरी बॉडी में लगाना, इसको ऑपरेशन ही कहेंगे मेरे ख्याल से। तो ये ऑपरेशन उसी कमरे में किया गया था, ये तो क्लियर था, क्योंकि वो सारे टूल्स वहीं रखे थे। ऊपर से उस बॉडी का जो लेफ्ट हैंड था वो भी सील के लगाया हुआ था, लेकिन सिर्फ लेफ्ट हैंड, क्योंकि उसका जो राइट हैंड था उसमें उसने एक सुई पकड़ी हुई थी जिसमें धागा भी डला था, जैसे कि वो कमीना खुद ही अपनी बॉडी का ऑपरेशन करके वो हाथ पैर जोड़ रहा हो। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि उसके असली, मेरा मतलब उसके खुद के पैर और हाथ वहां नहीं थे। ये सब कुछ कम था कि उस बॉडी में से जो बदबू आ रही थी वो इतनी गंदी थी कि मैं आपको बता नहीं सकता। मैंने पहले भी बहुत सी सड़ती हुई लाशें देखी थी, लेकिन उस बॉडी से तो ऐसी गंदी बदबू आ रही थी कि बर्दाश्त करना मुश्किल हो रहा था। बाद में उस बॉडी की ऑटोप्सी में, मतलब कि उसका पोस्टमार्टम किया गया, तो मौत के कारणों का पता नहीं चल सका।
उन दिनों फॉरेंसिक टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप नहीं हुई थी, लेकिन वो बदबू, वो गंदी बदबू जो हमें वहां से आई थी, ऐसी बदबू तो सिर्फ हफ्तों पुरानी लाश में से ही आ सकती थी। अब हमें यह तो नहीं पता कि पुलिस को उस क्राइम के बारे में किसने बताया, कहां से उनके पास कॉल आई, लेकिन जब हम उस जगह पहुंचे थे, मुझे अच्छे से याद है, तब तक वो बॉडी बिल्कुल फ्रेश थी, लेकिन फिर अचानक से उसमें से वो गंदी बदबू आने लगी। मुझे नहीं पता आप लोगों को डेड बॉडीज के बारे में कितना पता है, लेकिन मरने के बाद लाशें एकदम से नहीं सड़ती, इसकी भी कई स्टेजेस होती हैं। मौत के बाद पहले 2-3 दिनों तक तो बॉडी बिल्कुल फ्रेश जैसी ही रहती है, उसके बाद बॉडी फूलनी शुरू होती है, उसके कुछ टाइम बाद स्किन का रंग काला पड़ने लगता है, और जैसा कि मैंने बताया, उस बॉडी में ऐसा कुछ नहीं था, ना तो वो फूली थी और ना ही उसकी स्किन काली पड़ी थी। फिर 1 हफ्ते बाद डेड बॉडी में कीड़े पड़ने शुरू हो जाते हैं। ये कीड़े बॉडी के ऑर्गन्स को खाते हैं, उनमें अंडे देते हैं, और फिर धीरे धीरे पूरी बॉडी टूट के गिरने लगती है। इसी को सड़ना बोलते हैं। ऑटोप्सी करने वाले डॉक्टर्स ने बताया कि बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स जैसे कि उसके लंग्स, किडनी, स्टमक वगैरह बिल्कुल सड़ चुके थे, जैसे कि उसकी मौत हफ्तों पहले हुई हो। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि उसकी स्किन को देखकर ऐसा नहीं लग रहा था। ऊपर से उस कमरे में खून का एक निशान तक नहीं था। लेकिन ये तो सिर्फ एक डेड बॉडी थी, दूसरी डेड बॉडी तो हमने अभी तक देखी नहीं थी। वो सब देख के जब हम नीचे उतरने लगे, तो एक पुलिस वाले ने हमारे पास आके बताया कि एक और बॉडी मिली है। एक और बॉडी? मैंने हैरानी से पूछा। वो बोला हाँ। फिर वो हमें सीधा उस बड़े से पोल के पास ले गया जो मैंने घर के सामने लगा देखा था, और वो कोई छोटा पोल नहीं था, कम से कम 25-30 फीट लंबा तो जरूर होगा। वहां खड़ी भीड़ में से होते हुए जब हम उस जगह पहुंचे, तो मुझे तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हुआ। वहां एक लाश पड़ी थी जिसके पेड़ के बीचों बीच से वो खंभा निकल रहा था। आप समझ रहे हो ना, जैसे कि किसी ने उसको वहां लेटा के उसके पेट में वो खंभा आर पार घुसा दिया हो। आसपास के लोगों ने बताया कि वो खंभा बहुत सालों से वहां लगा हुआ था, उसके ऊपर अमेरिकन फ्लैग लगा था, ना ही खंभे पे खून का कोई निशान था। सच बताऊं तो अगर वो सब कुछ मैंने अपनी आंखों से ना देखा होता, तो मुझे खुद उस पर बिल्कुल यकीन नहीं होता। समझ ही नहीं आ रहा था कि वो खंभा उस बॉडी के पेट में कैसे घुसा होगा। अगर किसी ने उसको ऊपर से उसमें डाला होता, जो कि अपने आप में ही बहुत ही मुश्किल काम था, तो खंभे पे उसके खून या मांस का एक टुकड़ा तो मिलता, लेकिन खंभे पे ऐसा कुछ नहीं मिला। पता चला कि वो लाश जो कि खंभे के अंदर थी, मतलब कि वो खंभा जिसके अंदर था, वो उस प्रॉपर्टी का मालिक ही था। ऑटोप्सी में पता चला कि उसकी मौत ब्रेन एन्यूरिज्म से हुई थी, मतलब कि उसके दिमाग ने अचानक काम करना बंद कर दिया था, और वो लाश जो हमें ऊपर मिली थी, जो अपने हाथों से ही अपना ऑपरेशन कर रहा था, उसको आइडेंटिफाई नहीं किया जा सका। पता नहीं वो कौन था और वहां क्या कर रहा था, ना ही उसके उन नए हाथ पैरों के मालिकों का कुछ पता चला। क्या दिन था वो भी। और केसेस की बात करूं तो अपने पूरे कैरियर में सिर्फ एक बार ही मेरा सामना एक सीरियल किलर से हुआ था। डिपार्टमेंट में इस तरह के केसेस को कैरियर मेकर्स कहा जाता है, क्योंकि नॉर्मली इस तरह के केसेस को सॉल्व करने वाले डिटेक्टिव्स को प्रमोशन मिल जाता है, जिसके बाद उनका पूरा कैरियर सेट हो जाता है। लेकिन मुझे ये केस मेरे कैरियर के बिल्कुल आखिर में मिला था, शायद साल 1999 या 2000 की बात होगी, मतलब कि मेरी रिटायरमेंट से 1-1.5 साल पहले की बात। अगर मैं उस सीरियल किलर को पकड़ लेता,
तो मेरी रिटायरमेंट में 4 चांद लग जाते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सच बताऊं तो पहले दिन से ही हमें पता था कि ये भी एक इम्पॉसिबल केस ही साबित होने वाला है, लेकिन फिर भी थोड़ी सी उम्मीद थी दिल में। खैर, अपने डिपार्टमेंट की बात करूं तो डिपार्टमेंट में हम लोग इस सीरियल किलर को बैकवर्ड्स मैन नाम से बुलाते थे। बैकवर्ड्स मैन ऐसा इसीलिए क्योंकि हमने इस कमीने को कई बार सिक्योरिटी टेप्स में देखा था। ये हमेशा अपने विक्टिम के पास चल के तो जाता था, लेकिन उल्टा, मतलब कि वो अपने विक्टिम के पास पीठ दिखा के चलता हुआ उनके पास जाता और वैसे ही उनसे बात भी करता। और हर बार जितने भी टेप्स में हमने उसको देखा, वो हमेशा एक ही तरह के कपड़े पहने रहता था, एक बड़ा सा काला कोट जिसके ऊपर एक बड़ा सा हुड होता था जिसमें वो हमेशा अपना सिर ढके रहता था। मौसम चाहे कैसा भी हो, गर्मी हो या सर्दी हो, हमेशा यही कपड़े पहनता था और हमेशा उल्टा चलता था। अब मान लो आप किसी सड़क पर जा रहे हैं और इस तरह का कोई सिरफिरा उल्टा चलता हुआ आपको अपने पास आता दिखाई दे, तो आप क्या करेंगे? आप जल्दी से उसके रास्ते से हट जाएंगे ना, कि कहीं ये साला आपसे टकरा ना जाए। लेकिन उसके विक्टिम्स ऐसा नहीं करते थे। वो उल्टा चलता हुआ उनके पास जाता, उसके विक्टिम्स उससे बात करते, मतलब कि उसके सर से बात करते बिल्कुल नॉर्मली, और फिर 20-30 सेकंड बात करने के बाद वो दूसरी तरफ चला जाता और उसके विक्टिम भी उसके पीछे पीछे जाने लगते। हमने उसको कैमरों में फॉलो करने की बहुत कोशिश की, लेकिन ये सब कुछ बहुत ही अजीब था। ऐसा नहीं था कि वो किसी सुनसान जगह पर ऐसा करता था, बीच मार्केट में भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जहां हर तरह के कैमरे लगे होते थे। एक बार तो दिन के समय एक सड़क से एक आदमी को ले गया। हमें उस जगह 6 अलग अलग कैमरों की फुटेज मिली थी। वो उस लड़के की तरफ उल्टा चलता हुआ आया, लड़के ने उसके सिर से थोड़ी सी बात की और फिर वो दोनों चलते हुए वहां से जाने लगे। अब आप सोच रहे होंगे कि इतने सारे कैमरों में अगर हमने उसको देखा था तो किसी में तो वो सीधा चलता हुआ दिखाई दे रहा होगा, मतलब कि अगर 2 कैमरे आमने सामने लगे हैं तो एक में तो उसके सामने की बॉडी जरूर दिखाई देनी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं था, 6 के 6 कैमरों में वो उल्टा ही चलता दिख रहा था। उसके साथ वो लड़का तो सीधा चल रहा था लेकिन वो नहीं। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता था, है ना? लेकिन ऐसा ही था, तभी तो ये एक इम्पॉसिबल केस था। आसपास की बिल्डिंग्स के दूसरे कैमरे भी हमने चेक किए, लेकिन वहां से जाने के बाद तो वो दोनों कहीं दिखे ही नहीं किसी भी कैमरे में, जैसे वो हवा में ही गायब हो गए हों। हालांकि उसके विक्टिम्स हमको बाद में मिल तो जाते थे, लेकिन उसके बारे में मैं आपको बाद में बताता हूँ। कहने का मतलब कि तमाम कैमरों में कैप्चर होने के बाद भी हमारे पास उस कमीने का कोई हुलिया नहीं था। हमने उसका चेहरा कभी नहीं देखा, यहाँ तक कि उस जगह मौजूद दूसरे लोगों से भी, दुकानदारों से भी, जब हम उस आदमी के बारे में पूछते तो उन सब नालायकों का एक ही जवाब होता कि हमने तो बस उसको पीछे से देखा था, वो उल्टा चल रहा था बस। मैंने इस केस के ऊपर 2 सालों तक काम किया और जितने भी सैकड़ों लोगों से हमने उसके बारे में पूछताछ की, किसी ने उसका चेहरा नहीं देखा था सिवाय एक औरत के। तो हुआ ऐसा था कि एक बार ये उल्टी खोपड़ी वाला आदमी एक 13 साल की लड़की को अपने साथ ले गया था। जिस जगह ये घटना हुई थी वो एक अपार्टमेंट बिल्डिंग थी, तो पुलिस ने उस सोसाइटी के हर एक अपार्टमेंट में घर घर जाके पूछताछ की। मैं भी वहीं था। ये उस लड़की के गायब होने के करीब 1 हफ्ते बाद की बात है। हम एक फ्लैट में पहुंचे तो एक औरत ने दरवाज़ा खोला। उसकी उम्र रही होगी कोई 40 के आसपास। साथ ही मैं बता दूं कि वो अपार्टमेंट बिल्डिंग उस एरिया की सबसे पॉश बिल्डिंग्स में से एक थी।
मतलब कि वहां रहने वाले सब लोग अच्छे खासे पैसे वाले थे, लेकिन वो औरत, उसका हुलिया ऐसा नहीं था। मेरा मतलब उसका वो फ्लैट तो बहुत ही सुंदर था, घर के अंदर बड़ी बड़ी अलमीरा थी जिनमें बहुत सारी बुक्स रखी थी, सारा फर्नीचर भी बहुत ही महंगा नजर आ रहा था, हॉल में बड़ा सा टीवी भी लगा था। पता चला कि वो एक लॉयर थी, घर के अंदर लगी तस्वीरों में तो वो बिल्कुल प्रोफेशनल नजर आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि वो ना जाने कितने दिनों से नहाई नहीं है, बाल बिखरे हुए, दांत पीले पड़ चुके थे, मतलब कि वो उन फोटोज वाली औरत तो लगी नहीं रही थी। और हमसे बात करते हुए वो बहुत डर रही थी। वो हॉल के एक कोने में कुर्सी पर बैठी थी और हमसे बात करते हुए बार बार दरवाजे की तरफ देख रही थी। आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन वो किसी पत्ते की तरह कांप रही थी। तो हम उसके साथ बैठे और उससे पूछताछ करने लगे, यू नो, उस दिन उसने क्या क्या देखा, क्या हुआ, यही सब। वो बिल्कुल धीमी आवाज में फुसफुसाते हुए बात कर रही थी, जैसे कि कमरे में कोई और भी हो और वो उसको अपनी बात ना सुनना देना चाहती हो। उसने हमको जो कुछ बताया वो मैं आपको शॉर्ट में बताता हूं। वो उल्टा चलता हुआ उस लड़की के पास पहुंचा था, मैंने खुद उसको देखा था उसके पास जाते हुए। वो उल्टा चल रहा था, वो उसके पास गया और बस खड़ा हो गया। मैं उनसे थोड़ा दूर थी। ये सब बताते हुए उसकी जुबान लड़खड़ा रही थी, देखने से ही पता चल रहा था कि वो बहुत डरी हुई है। आगे वो बताती है, मैं उनसे थोड़ा दूर थी लेकिन मैंने उस लड़की को उससे बात करते देखा था। मैं तो बस अपने ऑफिस जा रही थी, उनके पास में एक ट्रैश बिन रखा था, मैं बस उस ट्रैश बिन में अपने कॉफी कप को डालने के लिए थोड़ा सा उनके पास गई थी और वो बस कुछ बोले जा रहा था, एक ही बात बार 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 बार। लेकिन वो लड़की उससे बातें कर रही थी जैसे कि उसको उसकी पूरी बात समझ आ रही हो। वो लोग क्या बातें कर रहे थे मुझे बताइए, वो जोर जोर से सांसें लेने लगी। मैम प्लीज हमें बताइए वो लोग क्या बातें कर रहे थे, हमने किसी तरह उसको शांत करते हुए पूछा। तो वो बोली, वो आदमी बार बार बस एक ही बात बोल रहा था, क्या तुम्हारा घर तुम्हारे बिना भी घर है, क्या तुम्हारा घर तुम्हारे बिना भी घर है, क्या तुम्हारा घर तुम्हारे बिना भी घर है। वो हर बार बस यही बात बोले जा रहा था, ऐसे जैसे उसको जुखाम हो रखा हो, क्या तुम्हारा घर तुम्हारे बिना भी घर है। और इतना कहते ही वो औरत बहुत जोर जोर से रोने लगी। उसका ऐसे रोना मुझे तो बहुत अजीब लगा, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो इतना डर क्यों रही है। फिर उसने बताया कि उस आदमी की आवाज बिल्कुल ऐसी थी जैसे किसी टेप रिकॉर्डर में से आ रही हो, और उस आवाज को सुन के मुझे कुछ होने लगा था, मेरा सिर चकराने लगा था जैसे कि मैं अभी बेहोश होके वहां गिर पड़ूंगी। फिर मैंने उससे उस लड़की के बारे में पूछा, वो लड़की क्या बोल रही थी। वो लड़की, वो उसको तो जैसे कुछ और ही सुनाई दे रहा था, वो उससे नॉर्मली बात कर रही थी। हाँ मैं भी वहां जाती हूं, मुझे बहुत अच्छा लगता है, हाँ हम बहुत मजे करते हैं वहां। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता था। फिर मैं बिल्कुल उस औरत के पास जाके बैठ गया और उससे प्यार से पूछा, क्या आपने उस आदमी का चेहरा भी देखा था। और मेरे इतना पूछते ही वो फिर से कांपने लगी, उसकी आंखों से आंसू टपकने लगे। संभाली अपने आप को, क्या आपने उसका चेहरा देखा था, मैंने पूछा। हाँ हाँ उसका चेहरा, उसका चेहरा। वो तो जैसे पागल सी होने लगी थी। और फिर वो अचानक से बिल्कुल शांत हो गई। 5 मिनट तक वो बिल्कुल चुप बैठी सामने दीवार की तरफ देखती रही और फिर वो बोली, माफ कीजिएगा मुझे जरा वॉशरूम जाना है,
मतलब अभी 5 मिनट पहले तक वो डर के मारे कांप रही थी और अब तो उसके चेहरे पर डर का कोई निशान ही नहीं था। मैं जानती हूं आपको मुझसे जरूरी सवाल पूछने हैं, मैं अभी वापस आती हूं, प्लीज एक्सक्यूज मी। और इतना कह के वो बाथरूम के अंदर चली जाती है। उसकी बॉडी लैंग्वेज का इस तरह अचानक से बदल जाना, मैं और मेरा पार्टनर तो बिल्कुल हैरान रह गए थे। हम कुछ नहीं बोले, बोलते भी क्या, वो उसका घर था और उसको वॉशरूम जाना था। हम वहीं बैठे रहे, बाथरूम के दरवाजे पर नजर रखे कि कहीं वो वहां से गायब ना हो जाए। वैसे भी उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं लग रही थी, मेरा मतलब वो बहुत डरी हुई और परेशान लग रही थी, लेकिन ऐसी भी नहीं लग रही थी कि वो खुद को ही नुकसान पहुंचा ले। हमारे प्रोफेशन में हम इंसान को उसकी बॉडी लैंग्वेज से ही पहचान लेते हैं कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है, और उस औरत की बॉडी लैंग्वेज से मैं अंदाजा लगा पा रहा था कि वो जरूर खतरे में है। बाथरूम में पानी चलने की आवाज आ रही थी और फिर हमको बाथरूम से एक आवाज आई जैसे वो टॉयलेट कवर के ऊपर बैठी हो, बस और कोई आवाज नहीं हुई। मैंने बाथरूम के दरवाजे पर नॉक किया, मैम आप ठीक हैं? कोई जवाब नहीं आया। मैंने फिर से नॉक किया, मैम आप ठीक तो हैं? फिर से कोई जवाब नहीं आया। दरवाजा अंदर से लॉक था। मैंने दरवाजे के हैंडल पर एक लात मार के दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खोला तो हमने देखा कि वो अंदर बैठी थी। उसके सामने 2 ब्लेड्स रखे थे जिन पे खून लगा था। मुझे पता है आप लोग क्या सोच रहे होंगे, यही ना कि उसने जरूर अपनी कलाई को ब्लेड से काट के अपने आप को मारने की कोशिश की होगी, लेकिन ऐसा नहीं था। उन ब्लेड से उसने अपनी जीभ काटी थी। चारों तरफ सिर्फ खून ही खून था, हर जगह, सिंक में, टॉयलेट के ऊपर, नीचे फर्श पे, और उसकी जीभ सामने काउंटर पर रखी थी टूथब्रशेस के साथ में। कैथरीन, शायद यही नाम था उसका, कैथरीन, कैथरीन ये क्या किया तुमने, मैंने चिल्ला के उससे पूछा। लेकिन वो तो बिल्कुल चुपचाप बाथटब के एक कोने पे बैठी थी, बिल्कुल शांत, और हर 5 सेकंड्स में वो अपने मुंह से खून बाहर थूकती। बहुत ही भयानक मंजर था वो। हमने जल्दी से एम्बुलेंस को कॉल किया, इससे ज्यादा हम कर भी कह सकते थे। और हाँ, सामने बाथरूम की दीवार पर उसने अपने खून से लिखा था उसका चेहरा। मुझे नहीं पता उसने ऐसा क्यों लिखा था। खैर, उसके बाद उसको हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया गया। उसकी किस्मत अच्छी थी कि उसकी जान बच गई। कुछ महीने बाद मेरी भी रिटायरमेंट हो गई, लेकिन रिटायरमेंट के बाद भी मेरी मेरे पार्टनर से बात होती रहती थी। वो उस औरत से अगले कई सालों तक टच में था। बाद में वो औरत अपनी बहन के साथ रहने लगी थी। इस बीच वो 2 बार अरेस्ट भी हुई थी हीरोइन रखने के जुर्म में। उसकी तो पूरी लाइफ ही बर्बाद हो गई थी। असल में ये पूरा केस ही शुरू से लेकर आखिर तक बिल्कुल अजीब था। उल्टा चलने वाला वो आदमी जो ना जाने अपने विक्टिम्स को ऐसी क्या पट्टी पढ़ाता था कि वो उसके साथ जाने को तैयार हो जाते थे, वो भी बिना उसका चेहरा देखे। जितने भी विक्टिम्स गायब होते वो सब कुछ दिनों बाद मिल तो जाते थे, लेकिन मुर्दा। और ऑलमोस्ट हर एक केस में ही लाश एक ही तरीके से मिलती थी। घर के लोग घर में आते और देखते कि लाश घर के अंदर रखी हुई है। मेरे रिटायर होने तक ऐसे करीब 7 केसेस आ चुके थे। 13 साल की वो लड़की, वो भी करीब 2 महीने बाद मिल गई थी, अगस्त के महीने के आखिर तक, वो भी बाकी सबकी तरह मिल गई। उसके मम्मी पापा कहीं से घर लौटे थे। मम्मी ने दरवाजा खोला तो देखा कि उनकी बेटी की लाश अंदर एक चेयर पर रखी हुई थी, बर्फ जैसी जमी हुई। यहां तक कि उसके कॉल करने के 10 मिनट बाद
जब मेडिकल टीम उस जगह पहुंची तब तक भी उसकी बॉडी बिल्कुल जमी पड़ी थी, जैसे कि उसको बिल्कुल अभी अभी फ्रीजर से निकालकर वहां रखा गया हो। लेकिन उसकी स्किन बिल्कुल काली पड़ चुकी थी, जिसका मतलब था कि मौत कई दिन पहले हुई थी। ऊपर से जिस तरह उस लाश को वहां रखा गया था वो तो और भी अजीब था। वो उस चेयर पर बैठी हुई थी अपने एक पैर को दूसरे पैर पर रख के, उसके चेहरे पर स्माइल थी। सब कुछ बिल्कुल अजीब था। बाकी जितनी भी लाशें मिलती वो भी इसी तरह अजीब ही कंडीशंस में होती थी। वो आदमी कौन था और क्यों लोगों की जान ले रहा था? तमाम कोशिशों के बाद भी हम उसका पता नहीं लगा पा रहे थे। लेकिन फिर एक दिन अचानक से ये सब जैसे शुरू हुआ था वैसे ही बंद हो गया। लेकिन ऐसा नहीं था कि सिर्फ मेरा सामना ही इस तरह के अजीब केसेस से होता था। अब मैं आपको अपने एक पार्टनर के एक केस के बारे में बताता हूं। तो जैसा कि मैं बता रहा था, दादाजी बताते हैं कि ऐसा नहीं था कि इस तरह के इम्पॉसिबल केसेस सिर्फ उन्हीं के साथ होते थे। डिपार्टमेंट में उनके कई सारे दोस्तों के साथ भी इस तरह के केसेस पेश आ चुके थे। मैंने दादाजी से पूछा कि आप किसी बहुत ही मजेदार केस के बारे में बताइए जहां एलियंस वगैरह की इन्वॉल्वमेंट हो सकती है। मेरी बात सुनके दादाजी हंसने लगे, बोले, एलियंस के मामलों को तो हम लोग डील ही नहीं करते थे, उसके लिए तो एक अलग ही सुपर सीक्रेट यूनिट होती थी। लेकिन मेरे काफी जिद करने पर दादाजी बोले, चलो ठीक है, मैं तुम्हें मेरे एक पार्टनर के एक केस के बारे में बताता हूं। हालांकि मुझे पक्का नहीं पता कि इसमें एलियंस की इन्वॉल्वमेंट थी या नहीं, लेकिन इतना जरूर है कि इस केस में डेड बॉडी आसमान से ही नीचे आई थी। मैं ध्यान से दादाजी की बात सुन रहा था। दादाजी बोले, यह केस मेरे एक दोस्त ने डील किया था और सारी बातें मैं वैसे ही बताऊंगा जैसे उसने मुझे बताई थी। ये साल 2002 की बात है, 9/11 से बस कुछ ही दिन बाद की। हालांकि इसका 9/11 से कुछ लेना देना नहीं है, बस मैं वैसे ही बता रहा हूं। तो हुआ ऐसा था कि एक रात मुझे एक केस के बारे में कॉल आई। रात के करीब 2 बजे का टाइम हो रखा होगा। जिस जगह मुझे जाना था वो पूरा रेगिस्तान था। दूर दूर तक सिर्फ लंबी सुनसान सड़कें, जिनके दोनों तरफ दूर दूर तक खाली मैदान थे, जिन पे झाड़ियां, इक्के दुक्के पेड़ों और कैक्टस के अलावा कुछ भी नहीं था। कहने का मतलब कि वो जगह ऐसी थी कि आप एक जगह खड़े होकर दूर दूर तक किसी भी चीज को देख सकते थे। और जिस जगह मुझे पहुंचना था वो तो और भी वीरान इलाका था। एक कच्चे रास्ते से होते हुए 20 मिनट ड्राइविंग करने के बाद मैं उस जगह पहुंचा था। और वो जगह, वहां कुछ भी नहीं था, ना कोई घर, ना कोई पेड़, बिल्डिंग्स, कुछ भी नहीं। बस दूर दूर तक खुला मैदान और बीच मैदान में खड़ी थी वो लड़की। हाँ, उसकी उम्र रही होगी कोई 25-26 साल के आसपास। और जैसा कि मैंने बताया, वो उस रेगिस्तान के बीच खड़ी थी, ऐसे जैसे कि वो चल रही हो, जैसे कि वो कहीं चल के जा रही हो और अगले ही पल उसकी मौत हो गई हो। उसके आगे वाला पैर ऊपर की तरफ उठा था, जैसे चलते हुए होता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल था कि वो आई कहां से थी और कहां जा रही थी, क्योंकि आसपास की रेत पर कहीं कोई फुटप्रिंट्स नहीं थे, ना उसके आगे ना पीछे कोई फुटप्रिंट्स। ये सब कुछ ऐसा था कि जैसे उसको आसमान से लाके वहां रख दिया गया हो। फॉरेंसिक्स टीम पता लगाने में जुटी थी कि बॉडी वहां पहुंची कैसे। लेकिन उस बॉडी से करीब 15 कदम दूर एक जगह पर कुछ निशान बने थे। मैं उनको फुटप्रिंट्स तो नहीं कहूंगा, क्योंकि वो क्लियरली पैरों के निशान नहीं थे। रात के समय ओस से
हल्की हल्की गीली रेत में वो निशान ऐसे लग रहे थे जैसे कि स्प्रिंग्स से बनाए गए हों। छोटी स्प्रिंग्स नहीं, बड़ी बड़ी स्प्रिंग्स, आप समझ रहे हो ना। वो करीब 5-6 बड़ी बड़ी स्पाइरल स्प्रिंग्स के निशान थे, जैसे कि कोई चीज जिसके नीचे स्प्रिंग लगी हो वहां 5-6 बार उछली हो, कोई बहुत बड़ी चीज। वो निशान बहुत हल्के थे लेकिन जब हमने ध्यान से देखे तो वो हमें बिल्कुल साफ साफ दिखाई पड़ रहे थे। इसी बीच हमने नोटिस किया कि सेम वैसे ही निशानों के वहां 3 सेट और थे, मतलब कि टोटल 4 सेट्स, जो कि वहां किसी रेक्टेंगल की शेप में बने थे और हर एक सेट में वैसे स्प्रिंग्स के 6-7 निशान बने थे। अब मेरे पास कोई फोटो होती तो मैं आपको जरूर दिखाता, इस तरह उन निशानों को समझाना बहुत मुश्किल है। तो जैसा कि मैंने बताया, उस वक्त हम एक बीच रेगिस्तान में थे। वो रात का टाइम तो था लेकिन इतनी ठंड नहीं थी, कम से कम इतनी ठंड तो नहीं थी कि किसी की स्किन पर फ्रॉस्ट बाइट बन जाए। फ्रॉस्ट बाइट मतलब कि जब हमारी स्किन बहुत ज्यादा ठंड में एक्सपोज होती है तो वहां से काली पड़ जाती है। लेकिन इस लड़की की बॉडी पर जगह जगह फ्रॉस्ट बाइट्स के निशान थे। अब अगर ऐसे निशान उसकी पूरी बॉडी पर बने होते तो भी हम एक बार के लिए मान लेते कि शायद वो बर्फ से भरे स्विमिंग पूल में नहा रही होगी, लेकिन ऐसा भी नहीं था। वो काले नीले फ्रॉस्ट बाइट के निशान सिर्फ कुछ पैचेस में ही कहीं कहीं बने थे। उसकी जांघों पर, गर्दन पर, कंधों पर और उंगलियों पर भी कुछ निशान बने थे, जैसे कि सिर्फ उसके यही बॉडी पार्ट्स बर्फ में एक्सपोज हुए हों, जो कि इम्पॉसिबल था। तो उन निशानों की बात करूं तो जैसा मैंने बताया कि हमें उन निशानों के वहां 4 सेट्स मिले थे जो कि एक दूसरे से बिल्कुल पैरेलल थे, और उन सबके बीच में करीब 20-20 कदमों की दूरी थी। अब हो सकता है किसी ने वो निशान हमें कंफ्यूज करने के लिए बनाए हो, किसी तरह के स्टेंसिल को जमीन में घुसाकर, लेकिन ऐसा भी नहीं था। फोरेंसिक्स ने बताया कि उन निशानों को स्टडी करने पर पता चला कि वो निशान बाहर की तरफ से ज्यादा गहरे थे, जबकि अंदर की तरफ से वो निशान इतने गहरे नहीं थे, जैसे कि ज्यादा वजन बाहर की तरफ रखा गया हो, अंदर की तरफ इतना वजन नहीं था। और वो निशान एक दूसरे को ओवरलैप भी कर रहे थे, जैसे कि वो चीज वहां पर उछली हो। सब कुछ बहुत अजीब था, लेकिन अभी तो ये केस और अजीब होना था। साथ ही बता दूं कि ऐसा नहीं था कि वो सारे निशान हमें उसी दिन दिखाई दे गए थे। ये सब कुछ जो मैं बता रहा हूं ये अगले कई दिनों की फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन के बाद सामने आया था। बाद में और इन्वेस्टिगेशन करने पर पता चला कि उन निशानों से करीब 200 मीटर दूर और वैसे ही निशान बने थे, सेम वैसे। अंतर बस इतना था कि वो निशान जमीन में और गहरे थे, निशानों के सेम वही 4 सेट्स, लेकिन इन निशानों में कोई ओवरलैपिंग नहीं थी। पहली बार देखने में तो वो सब फालतू के निशान दिखाई पड़ रहे थे, लेकिन जब उनके पैटर्न को हमने स्टडी किया तो कंक्लूजन निकला कि जरूर आसमान से कोई चीज, जैसे कि कोई बहुत ही बड़ा एयरक्राफ्ट ऊपर से नीचे आया हो और एक जगह उछल के आगे गया हो, और फिर आगे 5-6 बार उछलने के बाद वो एयरक्राफ्ट वहां रुक गया हो, फिर उसमें से लड़की को बाहर निकालने के बाद एयरक्राफ्ट वहीं से ऊपर हवा में उड़ गया हो। उस पूरी सिचुएशन में सिर्फ यही एक थ्योरी बिल्कुल फिट बैठ रही थी, लेकिन ऐसा एयरक्राफ्ट वहां आया कहां से। अब उस लड़की की बात करूं तो उस लड़की को आइडेंटिफाई करने के लिए हमारे पास कुछ नहीं था। उसने एक टैंक टॉप और शॉर्ट्स पहने हुए थे, और जैसा कि मैंने बताया उसकी बॉडी पर जगह जगह फ्रॉस्ट बाइट के निशान थे, लेकिन उसका चेहरा बिल्कुल सूखा हुआ था। उसके होठों पर सूखी पपड़ी जमी थी, जैसे कि वो धूप में कई घंटों तक एक्सपोज हुई हो। ऊपर से हमारे एमई मतलब कि मेडिकल एग्जामिनर ने बताया
कि लड़की की मौत डूबने से हुई थी। डूबने से? ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन मेडिकल एग्जामिनर बिल्कुल श्योर थी कि मौत डूबने से ही हुई है। बाद में ऑटोप्सी के और एनालिसिस करने पर भी यही बात सामने आई थी, मौत डूबने से ही हुई थी। उसके पेट में पानी तो था ही, लेकिन पानी के अलावा उसमें घास के टुकड़े थे। घास? हाँ, कई सारे घास के टुकड़े। एक बार के लिए आप सोचेंगे कि हो सकता है शायद भूख के मारे वो घास खाने को मजबूर हो गई हो, लेकिन वो असली घास नहीं थी, वो प्लास्टिक की घास के टुकड़े थे, जैसे कि घर की कारपेट्स में घास लगी होती है। लेकिन सबसे अजीब फैक्ट तो अभी हमारे सामने आना बाकी था, जो कि था उसकी मौत का टाइम। ऑटोप्सी में पता चला कि उसकी मौत हमारे वहां पहुंच जाने के 4 घंटे बाद हुई थी। क्या? ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने तो खुद अपनी आंखों से उसकी बॉडी को देखा था और चेक किया था, उसमें कोई मूवमेंट नहीं था। वो सांस नहीं ले रही थी, ना ही उसकी चेस्ट ऊपर नीचे हो रही थी। ऊपर से वो जिस पोज में वहां खड़ी थी, उसकी बॉडी बिल्कुल अकड़ी हुई थी। सब कुछ हमारी समझ से बिल्कुल परे था। खैर, जो भी था, हमें यह तो पता करना ही था कि आखिर में वो है कौन। शायद उसकी आइडेंटिटी पता चलने के बाद हमें कोई सुराग मिल पाता। लेकिन 6 महीने इन्वेस्टिगेशन करने के बाद भी लड़की का कुछ पता नहीं चला। दूसरे स्टेट से भी उसके बारे में पता किया गया, लेकिन कुछ नहीं मिला। हमने सोचा कि शायद उसके फिंगरप्रिंट से कुछ पता चल सके, तो फॉरेंसिक एक्सपर्ट ने बताया कि उसकी हर एक उंगली में 2 फिंगरप्रिंट्स के सेट थे। आप समझ रहे हो ना? मतलब कि उसकी हर एक उंगली में 2 आधे-आधे अलग अलग उंगलियों के निशान थे, जैसे कि 2 अलग अलग बॉडीज को मिला के उसकी उंगलियां बनाई हों। हमने एक फॉरेंसिक स्पेशलिस्ट को भी अलग से बुलाया, लेकिन वो भी कुछ समझ नहीं पा रहा था। बॉडी मिलने के करीब 3 महीने बाद अचानक एक दिन 911 पे एक कॉल आई। कॉल किसी आदमी ने की थी। रेगिस्तान में एक लड़की मिलेगी, एम्बर ली। बस उसने इतना ही कहा और कॉल काट दी। कॉल मैसाचुसेट्स स्टेट के एक शॉपिंग सेंटर के बाहर लगे एक पेफोन से की गई थी, जो कि पिछले कई सालों से आउट ऑफ सर्विस था। हमने उस स्टेट की पुलिस से कांटेक्ट किया और उस लड़की की फोटो वगैरह सेंड की। उन्होंने अपने पूरे डेटाबेस में खोए हुए लोगों की लिस्ट में उस लड़की को सर्च किया, लेकिन कुछ पता नहीं चला। हालांकि एम्बरली नाम की एक औरत उसी स्टेट में मिली थी, लेकिन वो तो बिल्कुल सही सलामत थी। उस लड़की के साथ जो हुआ वो तो हुआ, लेकिन मुझे सबसे बुरा इस बात का लगा कि हम आखिर तक भी उसको आइडेंटिफाई नहीं कर सके थे। पता नहीं वो बेचारी कौन थी, उसकी फैमिली, उसके दोस्त, पता नहीं वो सब कहां उसको ढूंढ रहे होंगे। वो रेगिस्तान जिनको हम हमेशा सेफ समझते थे, इस केस के बाद ये क्लियर हो गया था कि कोई चीज, कोई बहुत ही खतरनाक चीज उन रेगिस्तानों में घूम रही है, जिसको ढूंढने या पता लगाने की हमारी औकात तक नहीं थी। लेकिन ऊपर वाले का शुक्र है कि इस केस के बाद हमारे सामने ऐसा कोई केस फिर कभी नहीं आया। दादाजी के दोस्त की इस कहानी को सुनने के बाद भी मेरा तो मन ही नहीं भर रहा था। मैंने दादाजी से कहा कि मुझे और केसेस के बारे में बताइए ना। दादाजी हंसते हुए बोले, ये सब केसेस जो मैंने बताए, ये नॉर्मल केसेस नहीं है, ये इम्पॉसिबल केसेस हैं, और ऐसे केसेस हमारी पूरी सर्विस में बहुत ही कम हमारे पास आते हैं। मेरे पास जितने केस आए वो तो सब मैं तुमको बता ही चुका हूँ। अब मेरे पास और कोई केस नहीं है तुम्हें बताने को। मैंने कहा, नहीं, कोई तो होगा दादाजी, प्लीज मुझे बताइए ना। एक केस और है
जिसके बारे में मैं तुम्हें बताना तो नहीं चाहता था, लेकिन अब तुम इतनी जिद कर रहे हो तो मैं तुमको बताता हूं। मैंने पूछा, क्यों दादाजी, आप बताना क्यों नहीं चाहते थे? दादाजी कुछ नहीं बोले। चलो अब तुम इतनी जिद कर रहे हो तो मैं तुमको बताता हूं, तुम खुद ही समझ जाओगे कि क्यों मैं तुमको इस बारे में नहीं बताना चाहता था। यह शायद 1981 की बात है। मुझे और मेरे पार्टनर को एक केस मिला था। सही बताऊं तो शुरू में हमें यह कोई नॉर्मल केस ही लग रहा था। कुछ चीजें अजीब जरूर थीं, लेकिन हमें उम्मीद थी कि हम केस सॉल्व कर लेंगे। यह एक मर्डर केस था। एक बहुत ही पॉश बिल्डिंग में दो लाशें मिली थी। उस फ्लैट में एक हस्बैंड और वाइफ रहा करते थे। जब हम उस फ्लैट में पहुंचे तो उस आदमी की लाश फर्श पर पड़ी थी, बिल्कुल सीधी पोजीशन में, जैसे कि वो लेटा हुआ हो। उसके राइट शोल्डर से लेकर उसके पेट के लेफ्ट साइड तक एक कट लगा था। कट से मेरा मतलब ये नहीं कि किसी चाकू का कट लगा था, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे किसी बहुत बड़ी आरी से उसको काट दिया गया हो, वो भी बिल्कुल क्लीन कट। फिर उसके लेफ्ट पेट से उसके राइट हिप के नीचे एक और कट था, और वहां से नीचे पैरों की तरफ एक और कट। कहने का मतलब कि उसकी पूरी बॉडी को वी शेप्स में काटा गया था, और वो सारे कट इतनी सफाई से किए गए थे कि पहली बार देखने पर तो हमें दिखाई नहीं दिए। उसने सूट और टाई पहना हुआ था। वो तो जब उसकी बॉडी को उठाया गया तो उसके शरीर के सारे कटे हुए टुकड़े थर थरा के नीचे गिर पड़े। अचानक से वो देख के एक बार के लिए तो हमारे भी होश उड़ गए। बहुत बुरा था वो सब। और हां, वहां एक बॉडी और थी। वो आदमी शादीशुदा था, लेकिन वो बॉडी उसकी वाइफ की नहीं थी। वो तो एक बूढ़ी औरत की बॉडी थी, 90 के आसपास उम्र रही होगी उस बुढ़िया की। बॉडी में कोई चोट का निशान भी नहीं था। देखने से लग रहा था कि वो एक नेचुरल डेथ मरी है, लेकिन उस आदमी की वाइफ का कुछ अता पता नहीं था। अब हमारा सबसे पहले ख्याल ये था कि शायद किसी ने उस आदमी का मर्डर करके उसकी वाइफ को किडनैप कर लिया है। लेकिन वो बूढ़ी औरत, जब उसके बारे में हमने इन्वेस्टिगेट किया तो पता चला कि एक दिन पहले वो शहर के एक नर्सिंग होम से गायब हो गई थी। हमने वहां के स्टाफ से कांटेक्ट किया तो एक नर्स से बात हुई। नर्स ने बताया कि वो उस बुढ़िया को कुछ देर टहलाने के बाद उसको रूम में लेकर गई थी कि वो बस 20 सेकंड्स के लिए उस रूम से दवाइयां लेने के लिए बाहर निकली। 20 सेकंड बाद जब वो दवाइयां देने के लिए उसके रूम में वापस गई तो देखा कि बुढ़िया रूम में नहीं थी। रूम में ही नहीं, वो बुढ़िया उस पूरे नर्सिंग होम से ही गायब थी, जबकि वो बिना सहारे के एक कदम नहीं चल सकती थी। बुढ़िया गायब हो चुकी थी। यह शाम 4 बजे की बात है, और ठीक उसके आधे घंटे बाद करीब 4:30 बजे उस नर्सिंग होम से करीब 200 मीटर दूर एक औरत को अचानक अजीब अजीब हरकतें करने की वजह से उसी नर्सिंग होम की मेंटल हेल्थ फैसिलिटी में लाया गया था। और ये औरत और कोई नहीं बल्कि उसी आदमी की वाइफ थी, अमेंडा। अमेंडा नाम था उसका। उस दिन वो रोज की तरह अपने ऑफिस गई थी, लेकिन शाम के टाइम वो ऑफिस से किसी को कुछ बताए बिना निकल गई। किसी ने उसको जाते हुए देखा तो नहीं था, लेकिन सबको लगा कि वो शायद अपने घर जल्दी चली गई होगी। लेकिन उसकी कार तो वहीं ऑफिस की पार्किंग में ही खड़ी थी। ना उसने कोई प्लेन टिकट खरीदी थी, ना कोई बस टिकट। तो वो आखिर गई कहां? शाम के करीब 4:30 बजे उस औरत को बीच सड़क पर गला फाड़ फाड़ के चिल्लाते हुए पुलिस ने पकड़ा था, और पकड़ के मेंटल हेल्थ फैसिलिटी भिजवाया था। लेकिन उसके ऑफिस वालों ने बताया कि वो तो बेहद हंसमुख और समझदार लेडी थी। सब कुछ बहुत अजीब था। किसी तरह वो औरत और वो बुढ़िया
एक दूसरे की जगह पहुंच गई थी। वो औरत उस नर्सिंग होम में पहुंच गई और वो बुढ़िया उस औरत के घर में। लेकिन कैसे? हमने उनके फ्लैट को अच्छे से चेक किया, एक भी क्लू ढूंढने की कोशिश में। हम उनके घर की तलाशी ले ही रहे थे कि तभी मेरे पार्टनर को एक फोटो एल्बम मिली और उस एल्बम में मेरी और तुम्हारी दादी की फोटोग्राफ्स थीं। बहुत सारी फोटोग्राफ्स, हमारी शादी की, हमारे घर की, जब हम घूमने गए थे तब की, यहां तक कि हमारे बचपन की भी बहुत सारी फोटोग्राफ्स थीं, जब हम एक दूसरे को जानते तक नहीं थे। वो देख के मेरा तो दिमाग ही चकरा गया। मेरा पार्टनर बोला कि शायद इनके परिवार में कोई ऐसा होगा जो कि तुमको जानता होगा, लेकिन उस एल्बम में सिर्फ हम दोनों की ही फोटो थी। इवन हमारी फैमिली के भी किसी और मेंबर की कोई फोटो नहीं थी। तुम्हारी दादी भी उन लोगों को नहीं जानती थी। ये सब कुछ मेरे लिए बहुत डिस्टर्बिंग था। उन सब फोटोग्राफ्स को केस एविडेंस के तौर पर जमा कर लिया गया। उस आदमी को किसने मारा कभी पता नहीं चल सका, बल्कि हम ये भी पता नहीं लगा पाए थे कि उसको मारा कैसे गया है। इतने क्लीन कट्स, मतलब कि इतनी सफाई से उसकी बॉडी को काटना, ये इम्पॉसिबल था। खैर, फिर करीब एक साल बाद एक दिन मैं तुम्हारी दादी के साथ घर में बैठा हुआ था, तुम्हारे पापा भी साथ थे। तभी फोन की घंटी बजी। तुम्हारी दादी फोन उठाने के लिए जाने लगी। मैं सामने सोफे पे बैठा उसको देख रहा था। फोन उठा के उसने बस हेलो ही बोला था कि अगले ही पल उसका तो जैसे पूरा चेहरा सफेद पड़ गया, जैसे कि उसने कोई भूत देख लिया हो। वो जोर जोर से रोने लगी, मतलब कि बिल्कुल फूट फूट के। मैं जल्दी से उठा और उसके पास जाके उससे फोन छीन लिया, लेकिन फोन में तो सिर्फ डायल टोन की आवाज थी। तुम्हारी दादी, मेरी वाइफ, वो बहुत स्ट्रांग औरत थी, बहुत स्ट्रांग। वो इस तरह रोने वाली औरत नहीं थी। मैंने उससे पूछा, किसका फोन था, कौन था, क्या हुआ, लेकिन वो बस रो जा रही थी। मैंने उससे बहुत बार पूछा कि क्या बात है, किसकी कॉल थी, उसने क्या कहा तुमसे, लेकिन उसने मुझे कुछ नहीं बताया। अपनी मौत तक भी उसने मुझे कभी नहीं बताया कि उस दिन फोन पर किसने उससे क्या कहा था। फिर इसके करीब एक महीने बाद एक रात मैं गहरी नींद में सो रहा था कि अचानक सोते हुए मुझे बहुत अजीब सा लगने लगा, जैसे कि कोई मुझे घूर रहा है। गहरी नींद में होने के बाद भी मुझे ऐसा महसूस हो रहा था। मैंने आंखें खोली तो तुम्हारी दादी ठीक मेरे बेड के बगल में खड़ी थी, मुझे घूरती हुई। मुझे नहीं पता वो कितनी देर से वहां खड़ी थी, लेकिन उसको ऐसे अचानक से देख के एक बार के लिए तो मेरी जान ही निकल गई। यहां क्या कर रही हो, मैंने उससे पूछा, तो वो सीधा मेरी आंखों में देखती हुई बोली, वो अमेंडा की कॉल थी। बस इतना कह के वो अजीब ही तरीके से लड़खड़ाते हुए, जैसे कि वो नींद में चल रही हो, बेड पे आके मेरे बगल में लेट गई और सो गई। मेरी तो सांसें अभी भी अटकी हुई थी। उसके बाद मैं पूरी रात नहीं सो सका। फिर अगली सुबह जब वो उठी तो मैंने उससे रात के बारे में पूछा, लेकिन उसको तो जैसे कुछ भी याद नहीं था। मैंने उससे पूछा, क्या जो कॉल एक महीने पहले आई थी वो अमेंडा ने की थी, तो मेरी बात सुनते ही वो एकदम से भड़क गई, बोली मुझे उस बारे में कोई बात नहीं करनी। और फिर उसी दिन उसकी तबीयत खराब हो गई। बात करते करते वो बाथरूम में भाग के गई, उसको उल्टियां हो रही थी। फिर अगली रात फिर से रात में सोते सोते अचानक मेरी आंख खुली तो देखा कि तुम्हारी दादी बेड पे नहीं थी। बाहर हॉल की लाइट जल रही थी।
मैं जल्दी से उठ के बाहर गया तो देखा कि हॉल में ऊपर स्टोरेज एटिक के नीचे सीढ़ी लगी हुई थी। मैं सीढ़ी से ऊपर गया तो तुम्हारी दादी उस एटिक के फर्श पर सो रही थी। उसके आसपास बहुत सारा सामान फैला था, बहुत सारे बॉक्सेस जो कि हमने वहां स्टोर करके रखे थे वो सब वहां फैले थे। शायद सोने से पहले वो उन बॉक्सेस में कुछ ढूंढ रही थी। और ठीक उसके बगल में कुछ फोटो एल्बम्स पड़ी थी, उनमें से बाकी सब तो हमारी ही पुरानी एल्बम्स थी, लेकिन उनमें एक एल्बम ऐसी थी जो हमारी नहीं थी। वो एल्बम उस आदमी और उसकी वाइफ की थी। एल्बम में उनके बचपन की, उनकी शादी की, उनकी जिंदगी की बहुत सारी फोटो थी। लेकिन वो एल्बम हमारे घर में आई कैसे, उसके वहां होने का कोई मतलब नहीं था। मैंने जल्दी से तुम्हारी दादी को उठाया लेकिन उसको तो कुछ भी याद नहीं था। इस केस को सॉल्व करने का कोई तरीका नहीं था। कुछ टाइम बाद मुझे और केसेस भी मिलते गए, लेकिन एक बात जिसको नोटिस करने में मुझे कई साल लग गए थे वो ये थी कि तुम्हारी दादी हर साल 23 जून को बीमार हो जाती थी, बहुत ज्यादा बीमार, जैसे कि अब वो बच नहीं पाएगी। साल के दूसरे दिन भी वो कई बार बीमार हो जाती थी, लेकिन 23 जून को तो वो पक्का बीमार होती थी। और जानते हो 23 जून के बारे में क्या स्पेशल है? 23 जून को उस आदमी की वाइफ का बर्थडे पड़ता था, अमेंडा का बर्थडे। इस केस की फाइल बंद होने के बाद भी मैंने कई सालों तक इन सब चीजों को इन्वेस्टिगेट किया कि कोई तो कनेक्शन मिले अमेंडा और तुम्हारी दादी के बीच, लेकिन कोई कनेक्शन नहीं मिला। एक छोटा सा कनेक्शन जो मैं इतने सालों में ढूंढ सका था वो ये कि मेरे एक दूर के अंकल का भी उसी बिल्डिंग में एक फ्लैट था जिस बिल्डिंग में हमें उस आदमी की लाश मिली थी। लेकिन ये तो कोई इत्तेफाक भी हो सकता था, हमारा तो उनके यहां आना जाना भी नहीं था। मैंने तुमको अपने कैरियर के बहुत सारे अजीब अजीब केसेस के बारे में बताया, लेकिन ये एक केस ऐसा है जो खुद मेरी पर्सनल लाइफ से जुड़ा था, मेरी वाइफ से। अब शायद तुम समझ गए होगे कि क्यों मैं इन सब बातों को याद नहीं करना चाह रहा था। पता नहीं वो ऐसी कौन सी तार है जो अमेंडा से लेकर मेरी वाइफ तक जुड़े हैं। लेकिन आखिर में मैं बस ये एक बात बताना चाहता हूं कि ये कमजोर दिल वाले लोगों का काम नहीं है। अगर आप भी डिटेक्टिव का कैरियर लेने की सोच रहे हैं तो हमेशा याद रखना कि इस काम में आपका सामना कुछ ऐसी सिचुएशन से भी हो सकता है जिनके बारे में आपने कभी सोचा भी ना हो, ऐसी चीजें जो ना सिर्फ आपको और आपके परिवार को बहुत परेशान कर सकती हैं बल्कि आपकी और आपके चाहने वालों की जान भी ले सकती हैं।